नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम बैक टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्ट्रीम में, हमारी रात्रि स्ट्रीम में, जहां पर हम लोग आज खेलने वाले हैं द चमेलियन, जिसका मतलब होता है कि चमगादड़ अगर आप हिंदी करते हो, लेकिन स्टोरी का चमगादड़ से कोई संबंध नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और इस गेम की बात करें तो एक स्टील्थ टाइप का गेम है। आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको बच बच के अपने दुश्मनों से निकलना है, लेकिन खास बात यह है कि आपके पास सुपर पावर्स हैं। आप अटैक तो कर ही सकते हो, वो सुपर पावर नहीं है, लेकिन आप रूप बदल सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप डैश कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, समय को धीरे कर सकते हो, सुपर पंच मार सकते हो, और यही सुपर पावर्स के साथ आपको इसमें आगे बढ़ना है। यहाँ की स्टोरी आगे बढ़ती है। आगे बढ़े उससे पहले मैं भाई वन एंड ओनली हमारे नीरज चोपड़ा, जो कि अब द नीरज चोपड़ा कहलाएंगे भाई, क्योंकि वो कमाल कर दिया है जिसकी उम्मीद एक्चुअली उनसे थी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब नीरज चोपड़ा को कोई जानता नहीं था। नीरज चोपड़ा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम था कि कितने बड़े, कितने डेडिकेटेड थे और कितना बढ़िया वो पिछले एक साल से खेल रहे थे। चाहे वो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो होता है वहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था, वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया खेला था, वही फॉर्म को इन्होंने कंटिन्यू किया और 87 पॉइंट समथिंग, शायद 15 है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, 87.15 के आसपास उन्होंने अपना जो भाला है वो फेंका और जेवलिन फेंका और यहाँ पर हमें हमारा पहला गोल्ड दिला दिया है। 87.03 मीटर फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, जो कि वही रीज़न बना हमारे इस गोल्ड मेडल का। और भाई डिजर्व करते हैं बंदा बहुत। अगर आप इनका लुक देखोगे तो कितनी मेहनत के बाद इनका लुक भी काफ़ी चेंज हो गया था। मतलब जब बंदा मेहनत करता है तो उसका स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है, पूरी तरह से वो अलग लगने लगता है और पहले से बेहतर कॉन्फिडेंस लग रहे थे। और जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था ना वो हाईलाइट था। जिन्होंने वो वीडियो देखी हो, मैंने डिस्कॉर्ड पर भी डाली है, शायद पता नहीं वो वाली डाली है कि उसके बाद वाले थ्रो की डाली है, लेकिन वो जो थ्रो था उसके बाद जब उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर किया है ना, मतलब उन्हें देखा नहीं कहाँ गिर रहा है, उनको पहले विश्वास हो गया कि भाई मैंने बढ़िया काम किया है, ये पक्का आगे जाने वाला है। और अंत में वही हुआ और फाइनली वो हमें गोल्ड दिला दिए। तो ये अभी तक के सबसे बड़े, आज के दिन का सबसे बड़ा हाईलाइट, आज के दिन का क्या, इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट है वो, और आने वाले कई सालों तक ये हाईलाइट हर बार मेंशन होगा, जब भी ओलंपिक, जब भी स्पोर्ट्स आएगा, एथलेटिक्स आएगा तब। तो चलिए हम अपनी गेम के बारे में भी, गेम भी शुरू करते हैं। आखिर इन द एंड वही तो गेम प्ले का हमारा हिस्सा है, वहीं तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं लाइक गोल चेंज कर दे रहा हूँ, हमारा जो नया लाइक गोल है वो होने वाला है 333, और हमारा जो काउंटर है वो भी उसको मैं चला दे रहा हूँ, नहीं तो सब बोलेंगे काउंटर तो भाई हो गया पहले ही आपका फुल, वो नहीं चलेगा। ठीक है, लाइक गोल की गाड़ी अभी 28 लाइक पे पहुंची है, लगभग 300 के आसपास का टारगेट है और आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, तो भाई धड़ाधड़ सपोर्ट भी कर देना आप लोग। मैं आ जा रहा हूँ यहाँ पे हमारी गेम की तरफ। एक बढ़िया, मतलब ये थोड़ा सा गेम है ना 70s का फील देता है। और अब आप में से कई लोग बोलेंगे भाई क्यों आप इसके साथ खेल रहे हो, आपके पास तो बहुत सारे गेम्स थे, 4-5 गेमों के ऑप्शन थे, लेकिन आप लोगों ने ही वोट दिया है। एक्चुअली मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस गेम को आप लोग चुनोगे, लेकिन आप लोगों ने जो ओमनो करके गेम है उसको नंबर 2 पे रखा था, 34% लोगों ने इस गेम को वोट दिया था, 31% लोगों ने ओमनो को वोट दिया था, तो थोड़े अंतर से हार गया है वो। गेम के कंट्रोल कुछ इस तरह से है, क्यू से डैश होता है, ठीक है, क्यू से डैश होता है, जेड से विसल बजती है। मैं अपनी उंगली कहाँ रखूँगा वो देख रहा हूँ मैं पहली बात तो। ई से इंटरेक्ट होता है, आर से स्लो टाइम होता है, ठीक है, 1, 2, 3 से लुक होता है, ये पता नहीं क्या चीज़ है 1, 2, 3, मुझे भी नहीं मालूम यहाँ। और स्पेस का कुछ यूज़ है, चमेलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अरे बहुत कुछ करना है यार, कंट्रोल करना है, क्यू करना है, ई दबाना है, आर दबाना है, विसल बजानी है और आजू बाजू देखना भी है। ठीक है, न्यू गेम। इसकी स्टोरी मिस कर गए तो भाई मिस कर गए, आप लोग पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। पुराने समय की गेम है, मतलब स्टोरी है। ये हमारा बंदा है डॉक्टर एफ, यही बंदे को पकड़ लेंगे अभी, आगे देखना स्टोरी में। देखिए कोई खास एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। वैज्ञानिक जो है वो चाहते हैं कि जो कमियां हैं हमारी दुनिया में वो ठीक हो जाए, उसी में एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये फैक्ट्री में, या साइंटिस्ट जो भी कह दो आप, लैब के अंदर, लैब ज़्यादा सही है।
ये क्या आ गया टाको ट्यूसडे? ओ एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है गार्ड सिस्टम, जो कि एक रोबोट जैसा है, और ये सारी की सारी जगह को वो बचाता है कोई भी अगर इंटरफेयर करता है इस हिस्से में। तो टीवी चल रही है क्या रानी काले करे? बिल्कुल सही फील आ रहा है भाई, एकदम असली फील आप ही ले पाए हो। ओए ये क्या हुआ? मैंने कहा था ना सीटी बजती है, बजी ना। ये सलमान भाई है, सलमान भाई। अरे ये क्या हालत हो गई? अभी कोई भी पावर मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ झुक सकता हूँ। अबे ये क्या कर दिया, सब गार्ड मर गए? और ये सब सुपर पावर वाले गार्ड थे यार, इनको क्या हो गया? ये क्या चीज़ आई, एनर्जी आई है कुछ? हाइड फ्रॉम द गार्ड, ठीक है। ए पकड़ लिया उसने, अरे बाप रे भाई, इन्हीं से तो बचना है मेरे को। वो तो अच्छा है कि पिंजरे में बंद था, वो पिंजरे में बंद था भाई, शांति से निकलेंगे हम लोग एकदम सब्र से। आगे एक बंदा दिख रहा है मुझे, वो चक्कर लगा रहा है, मुझे उसका चक्कर देखना होगा, वो किस तरह से चक्कर लगाता है। ठीक, उसका पैटर्न देखना होगा, उसका पैटर्न समझना होगा। अरे बाप रे, ये तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है, पता है क्या, ये कि पबजी चल रहा है, मेरे पास गन नहीं है और आगे एक बंदा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। चलो 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 भाई, वो देखे ना तो अच्छी बात है। मुझे मेरा गेट कहाँ पर है यहाँ से? ठीक है, दिख गया। और तो नहीं है बंदे? मारेंगे बहुत ज़ोरदार। अच्छा मैं ऐसे मार सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं पंच मारूंगा ना, मेरी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। रानी काले कह रहे रियल लग रहा है, अरे भाई मुझे तो लगा था रियल नहीं लगेगा यहाँ पे। अब ये क्या दरवाज़ा है? मेरी एनर्जी बिगड़ गई। और भाई बहुत सोच समझ के इस गेम में अपनी एनर्जी यूज़ करनी है, क्योंकि एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ कलेक्ट करोगे, इतना आसान नहीं है भाई यहाँ पे। मैं भी इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बंदे कहीं भी हो सकते हैं। अरे यार इस बटन से भी मारता है हाथ, ये नहीं पता था मेरे को। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई? जो भी है मैं उसके साथ संपर्क में आ गया हूँ, मुझे आइडिया नहीं क्या हो रहा है, लेकिन पूरी स्क्रीन पे एक धमाका हुआ है और नया पावर मिल गया मुझे। ये पावर से क्या हो सकता है पता है? अब मैं अवतार अपना बदल सकता हूँ, मतलब अगर मान लो मैं ऐसी पोजीशन में हूँ जहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, तो मैं अपनी इस पावर का यूज़ करके निकल सकता हूँ आगे। आगे क्या है देखूँ जरा, ई टू इंटरैक्ट, ठीक है, रूम ओपन हो गया, बढ़िया। अरे हाँ सामने का दरवाज़ा खुल गया क्या? अरे हाँ सही में खुल गया। मैप मुझे याद रखना है भाई, मैप में भूला तो गड़बड़ हो जाएगी सब, गेम के अंदर गेम जैसा है। हाँ भाई लेकिन आसान नहीं है गेम में। ए यार ये तो फिर आया, ये है मैप, ये है मैप। मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। जनरेटर का गेट ओपन हो चुका है, एक जनरेटर रूम है पीछे, वो देख के आते हैं चलो, क्योंकि वो रोड वहीं ख़त्म हो जाएगा। अरे आग लगी हुई है बेचारे गार्ड के, वहाँ बंदे तो होंगे पक्का, ये ऐसे टाइम पास करने नहीं लाया है मुझे, पक्का गारंटी। अरे सही में कोई नहीं यार, अरे एनर्जी है बल्कि, ले लो ले लो ले लो ले लो, ठीक है रूम ख़त्म। अब यहाँ कुछ काम नहीं है अपने को। अरे ये क्या है? अरे कुछ नहीं है भाई, ओवर एक्साइटेड बंदा। चलो भाई आगे का रास्ता क्लियर है, हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। मैप पे नज़र मारते रहना है और इन बंदों से बचना है जो पीछे चिल्ला रहे हैं ना, ठीक है। वेयर हाउस टर्मिनल का ऑप्शन है, स्वेज का ऑप्शन है, जनरेटर्स आ रहे हैं, जनरेटर का दरवाज़ा बंद है, और ठीक है आगे से गेम में यहाँ से निकलना है भाई ये बिल्डिंग से, सिंपल सा फंडा है। मैप आप देख नहीं सकते, एक बार ही देख सकते हो जब वो मैप का निशान पे पहुँचोगे तभी। तो अपने पावर्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। अरे वाह एक और पावर मिल गई, सही है। अरे ये तो लॉक है, लेकिन ये क्या है? नंबर चार कह रहा है नल, नल में से पानी बह रहा है, ये क्या है? चूहा भी है अबे, लेकिन ये क्या था सही में समझ नहीं आया, ये कुछ है क्या पानी का कुछ? ये कह रहा है इस पर एक निशान लगा हुआ है, कागज़ चिपका हुआ है, देखो दिखाऊं, ये देखो
इस पे का आएगी वाटर का कुछ पता नहीं क्या है, ये चालू होता है क्या? नहीं, कंफ्यूज हूँ भाई मैं, बहुत बुरा बुरी तरह से कंफ्यूज हूँ। यहाँ करना क्या था? वो आया 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 आया, अरे यहाँ आ रहा है भाई, देखियो ना, वो पड़ी उसको, लेकिन वो हाँ उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो फिर बच जाएगा। एनर्जी मेरी खत्म हो गई सब। अरे यार भाग 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 भाई, भाग 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 भाग, एक को तो मार दिया मैंने भाई, दम दबा के भागा हूँ मैं। अरे बाप रे, ये तो पकड़म पकड़ा ही चालू हो गया। अरे आ रहा है पीछे, अरे बाप रे भाई, मैं बच पाऊंगा कि नहीं? अरे गया, अरे बच गया, अरे बाप रे, अरे दौड़म दौड़ी चल रही है, पकड़म पकड़ाई चल रही है भाई, ये कैसा गेम है? सीटी बज रही है भाई, मैं बच पाऊंगा कि नहीं? ये तो पक्का लग रहा है, बचपन में बच्चे नहीं खेलते छोटा सा। अरे मेरी एनर्जी आ गई है, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसकी तो ऐसी की तैसी भाई। आई शाबाश, खत्म कर दी कहानी इसकी। भाई दिमाग की दही कर रहा था, अब मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, लेकिन मेरा पूरा मैप बिगड़ गया पता है। मैं रास्ता वास्ता सब भूल गया हूँ, क्या करना था क्या जाना था। जो दो बंदे थे उनको तो मैंने मार दिया, मतलब मार ही दिया, मुझे बच के निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक को यहाँ मारा है, एक को आगे मारा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई है, वेयर हाउस का डोर ओपन हो गया। सही है, बंदूक नहीं है भाई, आप टाइटल पढ़ो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई बंदा स्ट्रीम कर रहा है उसका टाइटल पढ़ो भाई, नहीं तो वो भी समझेगा कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा। अरे एनर्जी मिल गई, थैंक यू, बहुत सख्त जरूरत थी मुझे। इसमें कुछ है क्या? अच्छा हाँ, ये कुछ है, पेपर आया है। अब वेयर हाउस का दरवाजा तो खुल गया, अब दरवाजा करके आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, ठन ठन गोपाला। और ये देखो उस समय में 1975 की है ये स्टोरी, फरवरी 1975 की बात है, और दो टेनिस प्रोडिजीज हैं, मतलब जुड़वा बंदे, शरीर एक है लेकिन आत्माएं दो हैं, या फिर क्या बताऊं मैं, दो सिर वाला कहूं या दो बॉडी वाला कहूं, लेकिन शरीर एक है। काफ़ी कंफ्यूज हूं बताने में, चूहे हर तरफ हैं। मैं एक बार मैप देखना चाहूंगा कि मैं मैप में हूं कहां पे, मैं भी कंफ्यूज आ गया हूं। इन लोगों की तो वाट लगा दी मैंने, लेकिन यहां से आगे जाना कहां है? ये नई रास्ता, ये नया रास्ता है, नहीं अभी वेयर हाउस का दरवाजा नहीं खुला है, मतलब कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाओ भाई। अगर आपको आइडिया नहीं है गेम में तो मैं बता दूँ, एक सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्म होता है वो, सिर्फ नज़रें बचाने के लिए, वो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं। ओ ये नया रास्ता है, ओके, इसको तो पीछे से मार सकता हूँ जाके मैं, अगर वो टर्न नहीं हुआ तो। हाँ अगर टर्न हो गया फिर नहीं, ये पड़ी माउस वन टू पंच, इट विल ड्रेन योर एनर्जी फॉर 5 seconds, ओके 5 seconds के लिए मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। स्पैम मत करो भाई रानी काले, रिक्वेस्ट है यार। और प्लीज ईयरफोन लगा के भाई आप लोग देखो, नहीं तो सिर्फ स्पैम करोगे जैसे कर रहे हैं सब लोग। म्यूजिक पूरा बदल गया। दो बंदे दिख रहे हैं, मैं एक को मार सकता हूँ, दो को नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। मैं अभी आगे कवर ले लूँ पहले। होल्ड 1 2 3 तो लुक अराउंड, अच्छा ये पावर भी है, ओके सही है यार, ये ऑसम पावर है। हर तरफ बंदे हैं यार, हर तरफ बंदे हैं, शायद तीसरे वाले में नहीं है मेरे ख्याल से। म्यूजिक मस्त है भाई इस गेम का, जो पहली चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो है ऑसम म्यूजिक। बंदे हर तरफ हैं, वो आपको ध्यान रखना है, उसका आप इलाज नहीं कर सकते भाई, हर तरफ मतलब सही में हर तरफ बंदे हैं। उसको मार दूंगा मैं इधर वाले को अगर हुआ तो, नहीं यहाँ कोई नहीं है। अरे ये क्या हुआ, अरे करंट लगा भाई मुझे, पर क्यों? मैं थोड़ा तेजी से बढ़ूंगा आगे, करंट कैसे लगा समझ नहीं आया मुझे।
अरे मैं मारने गया उससे पहले उसने मार दिया। अच्छा उसने पीछे से आके मार दिया था यहाँ पे। सूरज कुमार कह रहे हैं आज तो गोल टाइप करते रहो भाई। हाँ बिल्कुल एक नंबर कमेंट। आज तो मेन गोल्ड मिल गया, बाकी गोल्ड मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा था वो देखो रेड आंख वाला है बंदा एक, उसी ने मारा था मेरे को। दिख रहा है देखो ये वाला। अच्छा इसका रूट है ये। खत्म कहानी। एनर्जी बढ़िया है फिर मैं दूसरे को मारता हूँ। मैं बच के नहीं जा रहा भाई। अरे बाप रे, ओ बाप रे भाई, एनर्जी फुल तो हुई है लेकिन एक को मारने वाली है, दो को मारने वाली नहीं हुई। अरे चले गए वो लोग। अरे क्या नल्ले लोग हैं। और क्या किस्मत थी मेरी भाई, मैं उनके सामने ही खड़ा था, दो दो बंदे पागल जैसे देख रहे हैं लेकिन कुछ किए नहीं मेरे को। मजा आ गई भाई। द डोर ओपन समवेयर एल्स। अरे यार पहले यहां से निकल ले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकलो 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 निकलो। सही है अभी भाई, लेकिन इसका विंडो कहाँ है। ये रही एनर्जी तो मिल गई। चलो 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 भाई, बहुत सब्र से जाना है यहाँ पे। बंदे पांच हैं, मैं एक एक करके भी मारूंगा तो मेरे को कम से कम 25 सेकंड चाहिए कम से कम ब्रेक में। और ये तो अजीब ही पावर वाला लग रहा है, ये जो बिजली वाला है ना। आजा आजा इधर आजा, इसको बुलाता हूँ, रुको मैं इधर बुलाता हूँ। आजा 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 जा। अरे मार दिया यार, बीच में लकड़ी थी। कितना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगा पागल आदमी। अब फिर से सबको हरा। ये ट्राई एंड एरर वाला गेम है भाई, सीधी सी बात है। हाँ इधर वाला मर गया, इधर वाला मर गया। चलो अच्छा है ये गेम में कम से कम इतना तो है कि जिस बंदे को आपने मार दिया वो जीवित नहीं होता। अरे हेरे रे 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 रे, गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। कहाँ गया बंदा, मेरी एनर्जी फुल हो जा प्लीज। आजा 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 भाई, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा देखो घुमाऊंगा मैं। 5 सेकंड दे दे मेरे को। आ गई एनर्जी आ गई। अरे मार दिया यार, ये कैसा पावरफुल इंसान है भाई वो। अब मैं सेंटर में ही जाके मारूंगा, मैं अग्रेसिव खेल रहा हूँ, अग्रेसिव खेलने वाली गेम है नहीं है। अब मेरी एनर्जी फुल हो गई, अब मैं भाई एकदम क्लोज जाके उसको मारूंगा छिप के पीछे से। सामने से जाना एकदम बेकार है। वो रेड येल्लो हो गया मतलब समझ जाओ खतरे की घंटी बज गई है, उसने देख तो लिया है कहीं। भाई भूल गया भूल गया। चल चल चल, ये बेस्ट वक्त है। अब नहीं करूँगा गलती, अब ये गलती नहीं करूँगा। अब उसके नज़दीक जाके पीछे से मारूंगा धीरे से पट्ट से। ये अलर्ट हो गया अलर्ट हो गया अलर्ट हो गया। अरे क्या मजा आ गया यार। ये गेम कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कीबोर्ड ना तुड़वा, कीबोर्ड तो नहीं मेरा फ्रस्ट्रेशन ना बढ़वा दे, मेरा माथा गर्म ना करवा दे। चल भाई मैं तो फुल स्पीड से भाग रहा हूँ अभी, आगे सीधा उसी के पास जाकर रहूँगा। पीछे से एक अलर्ट हो गया, एक को मारा एक को मारा एक को मार दिया भाई, एक को मार दिया। बहुत अच्छे 5 सेकंड दौड़ा इसको भाई, हो सकता है तो बहुत अच्छे 5 सेकंड दौड़ा ले। अरे दोनों तरफ से आ गए। इतना अंधेरा क्यों है भाई, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से शट डाउन हो गई है और हमें इस बिल्डिंग से निकलना है, यही हमारा मेन टास्क है। मैं अभी थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, मैं बहुत धैर्य नहीं रख पा रहा, मुझे नीरज चोपड़ा बनना पड़ेगा, धैर्य से सब्र से खेलना होगा। अबे यार सामने से आएगा तो मार ही देगा ना। अबे मारना, एक तो यार इसको भी पता नहीं क्या होता है, मुर्गी सूंघ मुर्गी आ जाती है, क्या रोग हो जाता है पता नहीं। सामने बंदा खड़ा है मार नहीं पा रहा इसको, गजब बेइज्जती है भाई इसकी। अब कोई अलग किक से मारूं क्या, मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा। नॉर्मल बटन दे दबाया, नॉर्मल बटन चली नहीं भाई की। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हर बार करंट खा रहे हो भाई। एक मिनट, हमें सब मैं सिर्फ परफेक्ट तरीके से गेम खेलूंगा। अब हो गया नाटक बहुत, शांति से खेलूंगा अब, मैं गलती नहीं करूंगा। मैं हर बार भावनाओं में बह जाता हूँ, भावनाओं में नहीं बहना, जिस तरह से गेम खेलना चाहिए उसी तरह से खेलूँगा। ठीक है बढ़िया है। एक बार जरा हाथ देख लो इधर का, नहीं तो मालूम पड़े सामने से बंदा आ गया। इधर भी देख लो आगे पीछे, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ठीक है बढ़िया। गेट कहाँ है लेकिन ये नहीं मालूम मुझे, इसकी स्विच होगी एक। एनर्जी पॉइंट तो दिख गया, पूरा बंदा भी दिख गया एक। मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे उसके क्लोज, उसको पीछे से मारूंगा जैसा कि ये गेम हकीकत में कहता है कैसे खेलनी चाहिए। अरे अच्छा
अरे भाई अब समझा, एक्चुअली उसके शरीर पे करंट निकल रहा है इसलिए नहीं मार पा रहा। आप सबको मार ही नहीं सकते। ओके भाई, तो बोलना मेरे को, अब पता लगा भाई, मैंने जैसे उसको छुआ मुझे करंट लग गया। आप जिस बंदे के शरीर से करंट नहीं निकल रहा है उसी को मार सकते हो। जैसे ये है, देखो इसको मार सकते हो आप, इसको मार सकते हो, सबको नहीं मार सकते आप। अच्छा भाई, अच्छा वो मालूम पड़ गया देर सवेर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कोई है। हाँ पीछे रास्ता एक जरूर है, मैं अभी ये एनर्जी ले लूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। नॉइस नहीं करनी है। ओके, मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं अगर आप उसको छूते हो वो गिरेंगी तो नॉइस करेंगी। अरे क्या लॉजिक है जोरदार। बंदा है कि क्या है वो, सामने कुछ है रोशनी जैसा दिख रहा है। अरे हाँ बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एकदम अंधेरे में आया भाई, कुछ समझ नहीं आया मुझे दरवाज़ा कहाँ पर है। रोशनी से भी बचना है आपको, आपको बंदों से भी बचना है। देखो कुछ लिखा हुआ, ए यार। अरे बढ़िया भाई बढ़िया, वो करंट वाला नहीं आ रहा, बस ये अच्छी बात है। अभी तक तो मैं सबको ठिकाने दिखा दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अभी थोड़ा बिंदास चलो भाई, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे ख्याल से। अरे अरे है करंट वाला है। अरे मार दिया करंट यार, करंट वाले से तो बच नहीं सकते आप। अब मैं पता नहीं क्यों मेरे को लगा कोई नहीं होगा, बंदे थे भाई वहां पे, अच्छा खासा बंदा। चलो कोई नहीं, आपने राइट साइड क्लियर कर दिया, आप राइट साइड से घुसो सीधा उस एरिया में। मुझे ये बात इस गेम की अच्छी लगी कि एक बार अगर आप मर गए, आपने जितनों को मारा है, ओ ये तो फिर जिंदा हो गया क्या? नहीं, एनर्जी कहीं ऑन हुई है कहीं? नहीं, ठीक है, परछाई दिख रही ना एक्चुअली, इसलिए वो आ गया था करंट वाला। अब देखो अभी नहीं है करंट वाला, देख के देख के। करंट वाले से डर लगता है, परछाई दिखेगी क्या? फुटस्टेप आ रहे हैं, फुटस्टेप, वो देखो उसी परछाई दिख रही है। अरे भाई ये करंट है नहीं इसमें, लेकिन अभी अभी करंट नहीं है इसमें। सही है, मार सकता हूँ मतलब, अभी मार 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 मार, ये बात, शाबाश भाई। अब दरवाजा भी खोल दें तो वेयर हाउस पे जाना है। ए अरे बाप रे भाई, भाग 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 भाग, 5 सेकंड बचा ले भगवान, मैं बाद में देख लूंगा जो होना है। हाँ हो गई एनर्जी, आ गई। अरे ये एनर्जी भी गाड़ी, खरत लागो जोर से। अभी ये क्या है भाई, खरत लागो जोर से? ये गेम भाई इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। आपको पूरे वक्त मतलब कंट्रोल रखना है आप पे, मतलब ये कोई एक्शन पैक गेम नहीं है। एक्शन है लेकिन ये एक्शन ऐसा है कि शांति से एक्शन होता है। आप कदम अपने धीरे रखो, ऐसे तो चलना ही नहीं है जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसे तो दौड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दौड़ना। ठीक है, वार्निंग आई गई, वार्निंग आई गई। सही, ग्राफिक्स काफ़ी यूनिक है, इस तरह के ग्राफिक्स को मैं यूनिक ग्राफिक्स कहूँगा। राइट साइड में बंदा था, संभल कर, अभी कवर ले लो आप। आवाज़ आ रही है फुटस्टेप की, रुक गई, लगता है रिटर्न हो गया बंदा। मैं आगे जा रहा हूँ, हाँ दिख तो रहा है पूरा, उसमें अभी करंट है नहीं उसके शरीर में, अच्छी बात है, मतलब अभी नॉर्मल है, अलर्ट नहीं हुआ है। दो फुटस्टेप आ रहे हैं, अरे बाप रे, अरे देख लिया, अरे अरे पीछे भी कोई है भाई, ये कहाँ से आया? ओ इसके पीछे छिपा था, मैंने सिर्फ आगे का देखा, बीच में नहीं देखा यार। दिमाग एक्चुअली मेरे पेशेंस के साथ खेल रहा है, लेकिन है फन, है बहुत मज़ेदार। और ये गेम ज़्यादा महंगा भी नहीं है भाई, मैंने इसकी डाउनलोड लिंक, रुको मैं डाल देता हूँ, डाउनलोड लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग जरूर चेक करें कि कितना है, क्योंकि एक बंदे ने या दो बंदे ने मिलके बनाई है खाली ये गेम, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है शायद। अब इस बार इधर से जाएंगे अपने, इस बार इधर से जाएंगे। कोई है क्या? इसीलिए बताया नंबर एक नंबर, हाँ बंदा तो है, ठीक है आन दो इसको। इधर कोई है? चलो पहले इधर को ख़त्म करते हैं फिर देखते हैं। आ जा मेरे भाई, इसको बुलाऊं क्या? देखो बुलाता हूँ, सीटी बजानी पड़ती है, सीटी बजाए, बीच सड़क पे दो ना आ जाए बस। अभी नहीं गया, ध्यान नहीं गया, सीटी तो बजा रहा हूँ, देखो फिर बजाऊंगा। सुनना कोई और तो नहीं आ गया? आया 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 आया, आया। मारना, अरे पागल आदमी, मारा ही नहीं, कुछ सेकंड तक मारा ही नहीं पागल ने, देख रहा है स्क्रीन देख रहा है लेकिन मार नहीं रहा उसको। गजब गजब भाई, पागल आदमी। ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, कुछ दिख नहीं रहा आगे का।
हाँ ठीक है, ये तो बंद है रास्ता। नहीं बंद नहीं है, आपकी एनर्जी यहाँ पड़ी है, ले लो भाई, बहुत अच्छे। पूरा सुनसान रास्ता है, कुछ दिख ही नहीं रहा। इतने अंधेरे में अगर कोई आ जाए मान लो, तो फिर वाट लग जाए ना मेरी, फिर मैं क्या करूँगा भाई, रात का वक्त है। ये क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क? अच्छा ये कंटेनर्स हैं, यहाँ पे कंटेनर्स रखे गए हैं, स्टोरेज है ये। ये छोटी छोटी लाइट ही हमारा सहारा है भाई, और तो कुछ है नहीं सहारा। लात मारने को कह रहे हैं, लात नहीं है भाई, सुपर पंच की ताकत है बस, और कोई ताकत नहीं है हमारे पास, हमारे पास ताकत की भी कमी है। बॉर्नविटा नहीं पिया ना बचपन में, अब क्या फ़ायदा भाई। अभी भी स्विच नहीं मिली मुझे, जो स्विच चाहिए ना मुझे, वो स्विच नहीं मिली। ये देखो ये भी लिखा है कुछ, वेयर हाउस लेबलिंग सिस्टम। ये बेचारे को मार दिया, पर ये इंसान नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, वो रोबोट है, सब रोबोट्स मरे हुए हैं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया भाई, थैंक यू। तो बंदा भी है लेकिन भाई। हाँ देख के भाई, देख के संभल कर, उसने करंट ऑन कर दिया। मैं बुलाता हूँ इसको भी, बुलाता हूँ, रुक। आया 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 भाई, अब नाटक ना करियो। लेकिन ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा, अबे खड़ा क्यों नहीं हो रहा। हाँ हुआ, अरे वे मार खाने के लिए खड़ा हुआ, तू पागल। अरे रे कितना पीछे फेंक दिया, लेकिन एक फायदा हुआ पता है मेरे को, वो सामने जो दरवाजा है ना, मेरे को वहीं जाना है, तो ये एक फायदा हुआ मेरे को। बस ये है कि एक बंदा यहाँ पर है, रुको शायद ये दरवाजा ओपन हो गया तो अच्छी बात है। ये तो सेंटर रूम है, कंट्रोल रूम है, ये बंद होगा, ये बंद है। कोई है कोई है कोई है कोई है, वो रहा पीला वाला, वो रहा, करंट उसके शरीर में है, आप उसको मान नहीं सकते, उसको मान नहीं सकते। मैं आगे से जा रहा हूँ, तो मर जाएंगे हमने। देखो एक ग्रीन लाइट, संभल कर, ये रहा एडवांस स्टोरेज रूम। चल 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 चल, अरे कैसा, क्या ग्राफिक्स है भाई, कितने कूल ग्राफिक्स है ना। ओए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अबे ये तो मर जाऊंगा मैं। ये कुछ है क्या? नहीं भाई कुछ भी नहीं हो रहा ये तो। अबे तो ये पार कैसे होगा, जंप तो मैं करता नहीं हूँ। ओए अवतार बदल दिया मैंने। अच्छा हाँ डैश करता है, एक मिनट डैश कैसे करता है? नहीं डैश नहीं कर पा रहा। अच्छा मेरा अवतार बदल गया, देखा ऐसे अवतार बदलता है कुछ सेकंड के लिए। अब एक चीज़ तो मुझे लग रही, इसको उठा भी नहीं सकते आप, नहीं इसको उठा भी नहीं सकते आप। डैश का ऑप्शन है नहीं, डैश करना चाह रहा हूँ, डैश मतलब ऐसा हवा में उड़ के जाएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। देखो कब एनर्जी होती है, मैं आर दबाऊंगा ई दबाऊंगा पहले, ई कुछ नहीं हुआ, आर से भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अभी वो पावर अनलॉक नहीं हुई है, मतलब ये रास्ता मेरा अभी किसी काम का नहीं है, आगे जाके काम आएगा। अभी तो बस यहाँ से निकलो आप, करंट वाले से बचना बस। अभी थोड़ा सा मैं बिंदास भी खेल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का रास्ता मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए एक चीज़ तो क्लियर है कि मुझे यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है इतने रास्ते में। अरे एक और रास्ता, अबे ये क्या है, यू आर हियर। अरे कितना कुछ है भाई यहाँ पे, कितना कुछ है यहाँ पर, देख रहे हो कितना कुछ है। फ्यूल है, फूड स्टोरेज है, यू मॉडल है, ऑफ लिमिट्स है, MTPF है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सब कुछ यहीं पे है लगता है। अब मैं मान लो यहाँ से अंदर जाता हूँ, ईस्ट वेयर हाउस, एक मिनट फिर से दिखाओ ईस्ट वेयर हाउस। तो हमने कुछ देखा ही नहीं अभी तक, हाँ हकीकत तो अब चालू हुई। ये तो वापस वहीं आ गए, बहुत कुछ है भाई इस मैप में। बंदों को भी मारना है, उनसे बचना भी है, सब कुछ करना है। लास्ट टाइम धोखा दिया था मुझे, याद है यहाँ पे एक बंदा छिपा रहता था इसके। ये देखो ये देखो इसको देखो, ये दो दो हैं यार, एक को तो मारा, भाग 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 भाई भाग भाग। 5 सेकंड तक इसको होल्ड करा ले, मजा आ जाएगी, फिर तेरी एनर्जी वापस आ जाएगी, फिर घुमा के मारना इसको। प्लीज भाई लोड हो जा पावर। कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है भाई। वापस जाओ उधर, क्या दौड़ाया है बेचारे को, मस्त वाला रापचिक वाला एकदम। लेकिन एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि भैया आप जा कहाँ रहे हो, रास्ता फिर भटक गए आप।
बहुत अच्छा बनाया है गेम भाई, बहुत सब्र वाला है, बहुत प्यार से खेलने वाला गेम है ये। रश करोगे तो फिर आपका रश हो जाएगा, रस बन जाएगा। ये क्या हुआ, तो आवाजें इतनी भयानक भयानक आ रही कि डर लगता है मुझे हर दो मिनट में। ए बंदा है, बंदा है, बंदा है, और रे शाबाश भाई, नहीं तो फिर से पूरा पार करना पड़ता। ये क्या है, ये तो लॉक हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये फूड स्टोरेज आ गया है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। अबे है कि नहीं रास्ता, अरे यार फंस गए। ये सब कुछ काम का नहीं है, एनर्जी आ गई ना, बस एनर्जी होनी चाहिए भाई, बाकी तो ठीक है। ए बंदा 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 बंदा, गार्ड मतलब गार्ड है, बुलाता हूँ इसको, नहीं बुला मत, इसके पास जाके मार इसको। अरे यार क्या किया तूने, ये पहले हिट मार दिया यार, क्या है यार ये। अच्छा यहाँ पे लोड सेव हो गया, चलो अच्छी बात है ये कम से कम अच्छा हुआ कि गेम यहीं से चालू हुआ, नहीं तो हर बार पीछे से चालू हो रहा था। नई लोकेशन पे जाना चाहते हैं, वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हाँ यहाँ तक तो आए थे लास्ट टाइम शायद, यहाँ तो आए हैं। कन्फ्यूज ही आ गया भाई, कोई बात नहीं अभी आगे आ जाएंगे। हाँ यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम, किसी को अलर्ट किया गया, अलर्ट होने का साइन आया इसलिए, यहीं पड़ी थी ना अपने को। हाँ यहीं मरे थे लास्ट टाइम। लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ पर है, कोई नई जगह है कि पुरानी जगह है, देखो जरा। हाँ एकदम कॉर्नर में आ गए हम लोग, एकदम अलग ही लेवल पे, मेन वेयर हाउस से छोड़ो अलग ही लेवल पे, कहीं पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। कचरा पड़ा है, कचरे के ऊपर जुगनू जुगनू भिन भिन आ रही है, कौन सी जगह है भाई मुझे भी दिखाओ। पानी बहने की आवाज आ रही है, ऑसम साउंड ट्रैक यार। वेयर हाउस लेबलिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सारे। और हाँ दिखा पहला बंदा, दिखा पहला बकरा, दिखा जिसको मैं मारने वाला हूँ पटक के। जल्दी थोड़ा तेज चल यार, थोड़ा तेज चल मेरे भाई, और रुकेगा तब मारना। बहुत अच्छा, ये परफेक्ट था बॉस, ये परफेक्ट था, परफेक्ट था, सबसे परफेक्ट किल था ये। अरे एक और है, 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 थोड़ा संभल कर क्योंकि वो पीछे घूमेगा, अभी पीछे घूमने वाला है वो। अरे बाप रे वो अंधेरे में दिखता ही नहीं है उसको, अब क्या करूं मेरे ख्याल से, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ तो होगा भाई, ये खाली ऐसे ही नहीं आए हम लोग। हाँ एनर्जी मिली मुझे बस, बाकी कुछ नहीं मिला। ये लाइट का मतलब क्या है पता है, लाइट मतलब है कि आवाज आ रही है, देखो मतलब आप पूरी तरह से दिख रहे हो, दूर से भी दिख जाओगे किसी को, ये वार्निंग साइन है एक्चुअली। अरे ये देखो आगे रास्ता है वहां पे, मैं कह रहा हूँ आगे कुछ है नहीं। दूसरा एंट्री गेट, एग्जिट गेट, एंट्री गेट जो भी कहो, अभी के लिए एग्जिट गेट है, आते तो एंट्री गेट होता। चलो ये तो हो गया, मैं समझ गया भाई यहाँ पे क्या है, लेकिन अब क्या, यहाँ पे तो लगभग मेरे को लगता है मैंने सब कुछ पूरा कर लिया, यहाँ पे सारे कमरे देख लिए, अब मेन पे जाना है मेरे को लगता है, मेन लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे तो अब तो कोई बंदा भी जीवित नहीं है, सबको मैंने मार मार के सबको ठिकाने भी लगा दिया। अरे रे छिपके आ, ये कौन सी जगह है जो बाकी रह गई थी, पूरा रेड हो गया था भाई ये बंदा, बस हिट कर चुका था मेरे को। अच्छा है नया लोकेशन मिला भाई, जल्दी कर ले थोड़ा, एनर्जी लोड हो जा। हाँ चिट्ठी मिली है, चिट्ठी मिली है, समवन टेक डॉक्टर एम एस ऑर्डर, ठीक है, ये नया रास्ता है, पूरी तरह से नया रास्ता है, एनर्जी मिलती हुई सही है। अभी आगे है क्या कुछ, अरे बाप रे कितना सारा है, सेव हो गया, सेव हो गया, डेटा सेव हो गया,
बहुत अच्छे, नई जगह आ रही है। ये देखो भाई, ये गार्ड सिस्टम है, इसको सब मालूम है भाई। यहाँ पे चमेलियन क्यों रखा है नाम भाई, मुझे भी नहीं मालूम। मैंने भी लाइव स्ट्रीम चालू करने के बाद सबसे पहले यही कहा कि मुझे भी नहीं मालूम इसका नाम चमेलियन क्यों है, चमेलियन जैसा तो कुछ है ही नहीं। बंदा दिखा एक, कोई बात नहीं। ओए दो दिखे, ये दो कहाँ से आ गए? हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, मुझे पाएगा, मुंह उधर करेगा तब मारेंगे इसको। बहुत अच्छे, रुक 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 रुक, एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पूरी नई जगह है, पूरी तरह से नई जगह है भाई, मैं फुल कंफ्यूज हूँ। देखो रेडियो बजेगा भी। सब नया है, पैसा नहीं, नहीं पैसा नहीं है भाई। आगे एनर्जी है लेकिन बंदे भी होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी हो और बंदे ना हो। चमत्कार हो जाएगा यार, हो गया चमत्कार भाई। बंदे नहीं है, सही में नहीं है बंदे। ऑसम रास्ता है लेकिन कहीं ले जा रहा है हमको। रूट ने शतक मार दिया भाई, ऑसम पारी। तो समझ लो इंग्लैंड का पलड़ा भारी कर दिया है, ईमानदारी से कहना पड़ेगा। इंडिया से ज़्यादा अब इंग्लैंड के जीतने के चांसेस। अरे नया पावर मिलने वाला है, मुझे नहीं मालूम कौन सा पावर होगा। शायद दौड़ने, हवा में उड़ने वाला हो थोड़ी देर वाला, पता नहीं क्या है, देखते हैं। ये इन्फेक्ट हो गया हम लोग वायरस से या जो भी हो। न्यू पावर फाउंड, कौन सी पावर है भाई? Q2 dash, ओके। क्या एनिमेशन है यार, देख रहे हो एनिमेशन, देख रहे हो बंदे के, मतलब मान लो ऐसे छिपा हूँ मान लो, और इतने में गैप है तो मैं ऐसे दबाऊंगा क्यों, फटाक से आगे पहुँच जाऊँगा मैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एनर्जी भी ज़्यादा नहीं जा रही। मज़ा आ गया भाई। ख़त्म हो गई एनर्जी, अरे अभी भी यूज़ हो रही है, नहीं ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। थोड़ी भी एनर्जी होगी तो आप यूज़ कर पाओगे, ये बेस्ट पार्ट है इसका। बहुत बढ़िया भाई, अब एनर्जी भी दे दे थोड़ी, यूज़ करवा दी सब दिखाने में ही। बल्कि चमेलियन से ज़्यादा तो मुझे रैट्स दिखाई दे रहे हैं, द रैट्स नाम रखना था इस गेम का, चमेलियन कुछ अलग ही नाम है। एक बंदा था संभल कर, एक बंदा जीवित है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग यहीं भटक रहे हैं, अभी हम लोग यहीं भटक रहे हैं। आगे ब्लॉक स्टोरेज है, अभी देखो ब्लॉक स्टोरेज में जाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी तो एक मिनट, इधर राइट साइड में कुछ है, राइट साइड से तो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ एक बंदा था भाई, एक बंदा था, मैंने देखा था, एक बंदा जीवित था, मैंने उसको मारा नहीं है, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। शायद आगे है पर है, बंदा है इतना पता है मुझे। वो रहा देखो सामने है, दिखा वो रहा देखो, वो रहा। इसको बुलाता हूँ, रुको मैं इसको बुलाता हूँ। नहीं वो खुद ही आ रहा है क्या? आया, लेकिन रेड होके आ रहा है यार, ये अच्छा नहीं किया मैंने। वो तो अच्छा है, करंट नहीं है बेचारे के पास। मार, हाथ मार, हाथ मार, तेरी तो हाथ क्यों नहीं मार रहा? अबे क्यों नहीं मारा हाथ? अबे ये क्या था लेकिन, क्यों यार, क्यों क्यों हाथ नहीं मारा, ये मुझे नहीं मालूम पड़ा यार। सब चीज समझ में आई, वो खड़े भी नहीं होता यार ये गेम में कई बार। बे पागल आदमी, अकल से पैदल हट, बेवकूफ है क्या भाई, गेम में नशे किए हैं क्या? ऐसी बेवकूफी कौन करता है यार। वो तो अच्छा है कि गेम ज्यादा पीछे नहीं ढकेला हमको, यहीं ढकेला। ये रहा बंदा, आगे आएगा वो रहा। पर क्या किया तूने यार, मैंने किक दबाया था, मैंने हाथ दबाया था भाई, उसने हाथ चलाया क्यों नहीं मुझे भी नहीं मालूम। मैं खुद शौक हूं अभी, देखो देखो देखो, अरे हाथ क्यों नहीं चला रहा, अबे हाथ क्यों नहीं चला रहा यार ये। मैं ये हाथ चला के रहूंगा भाई, ये क्या नाटक है भाई, इसकी स्किल है, ये पावर है इसकी। वो देखो रेड कर दिया उसको पूरा, अभी तक रेड है वो, अब तो करंट भी ले आया वो हाथ में अपने। अच्छा मतलब अगर एक ही बंदे से आप बार बार मरोगे तो पावर उसके पास ज़्यादा आ जाती है क्या? देखो देखो देखो, वो रेड हो गया है पूरा, और करंट लिया हुआ ये हाथ में, पूरा रेड चल रहा है ये। मैं उसकी तरफ बढ़ने वाला हूँ, प्लीज टन ना करियो। टन करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई सब। ठीक है अभी तो ज़्यादा टन नहीं कर रहा, अभी राउंड में ही मजा आ रहा है। वो मारना,
मारना पागल। अरे अच्छा खड़े होके मारता है पागल, तो बोलना भाई मेरे को तो लगा तू बैठ के भी मारता है। भाई ये बैठ के नहीं, मतलब वो नहीं मार पाता, बैठ सोए सोए नहीं मार पाता। ये क्या चीज़ है? द जर्क स्टोर हैज बीन मेकिंग कॉल्स ऑल डे, दे आर रनिंग आउट ऑफ यू मॉडल्स। वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन का कुछ है ये हिस्सा। ये सब हिस्सों से तो हम लोग निकल गए, अब आगे कहाँ जाना है वो सवाल है। ये सब नई चीज़ें थी, अब सब ख़त्म हो गई। जितना नया लोकेशन था सब ढूंढ लिया हमने, अभी वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। ये देखो सांप सीढ़ी का जो होता है ना, सांप सीढ़ी वाला, बस वही हूँ, वैसा ही हो गई मेरी हालत। बंदा मिलेगा तो समझने का सही है, मेरा ऐसा मानना है। जब बंदा मिले तो समझो सही जा रहे हो, बाकी आप सही नहीं हो, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, कुछ मिस कर गए आप। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ यहाँ से, जहाँ हम लोग शुरू में आए थे वहाँ जाने की कोशिश है। ये क्या चीज़ है? मेजरमेंट टेप लग रही है लेकिन कुछ कर नहीं सकते भाई। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, कह रहे हैं डैश करो, डैश शो ऑफ के लिए नहीं है भाई, वो पावर्स हैं, उसका सही वक्त पे यूज़ करना है। अनलिमिटेड नहीं होती वो, कुछ सेकंड्स के लिए होती हैं, वही सेकंड्स में ही उसको प्रॉपर यूज़ करना है, नहीं तो पैसा बर्बाद पूरा का पूरा। ये आ गए हम लोग, ये सही जगह है। अब यहाँ से अच्छा, हाँ डैश का पावर आ गया है ना भाई, बस अब तू वहाँ पर जा, वो हरे वाले में जो हरा वाला डब्बा था ना, कहाँ गया? हाँ ये रहा, बस भाई पार हो गया, पार हो गया, समझ गया। आर से था ना, अरे अबे तेरी, ई से था, सॉरी दाम हो गया, सही है। अरे पावर इकट्ठी कर ले पहले भाई, दाम हो गया, ई दबाना था, आर दब गया, सॉरी। अबे ये क्या हो रहा है? ई अच्छा खाली ई दबाना है क्या? ये तो अलग ही नशे की है भाई, जिनको डैश देखना था डैश देख लो भाई, ये आपका डैश चल रहा है। अबे क्यू दबाना है, ई भी नहीं दबाना, आर भी नहीं दबाना। ओ क्या डैश करता है बंदा, मतलब पूरा डैश डैश है ये बंदा, आप समझ जाओ डैश मतलब क्या, पूरा डैश डैश है। अरे कोई दिख नहीं रहा। ओ रनिंग शॉट, दोनों मर गए, एक था राजा, एक था चमेलियन, एक था गार्ड, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बहुत ओपी है भाई, सीधा अंदर भाई, पूरा पूरा दिख रहा है तू भाई। यहाँ तो कोई नहीं है, दांव करोगे क्या मेरे साथ? हाँ इधर तो कोई नहीं है। अच्छा ये मर गया है बेचारा जो था। अरे करंट वाला है आगे वाला, संभल कर, उसके बाद कुछ है तो नहीं ना, अगर हो तो ही मैं जाऊँ, नहीं तो ना जाऊँ। ना कुछ लग तो नहीं रहा कि है, कुछ है तो जाओ, नहीं तो भाई इग्नोर करो इसको, इग्नोर कर, कोई जरूरत नहीं है, बेकार है, नल्ला है वो भी। ठीक है बढ़िया, मैं डैश कर रहा हूँ फिर से, संभल कर, डैश करने के बाद पूरा शरीर जल जाता है मेरा। सेव हो गई गेम, बहुत बढ़िया। ट्रांसफॉर्म इनटू द एनिमीज टू हाइड इन द स्लाइड प्लेस, जो खुली जगह है वहाँ पे आप एनिमीज से अगर बचना है तो आप अपने आप को एनिमीज में ही कन्वर्ट कर लो, चुपचाप दौड़ के निकल लो, या जैसे भी निकलना है निकल लो। करंट वाला है क्या? हाँ एक करंट वाला है, अरे बाप रे भाई ये तो टफ होगा, दोनों मतलब हैं। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, डाउन ना करियो एनर्जी डाउन ना करियो। हाँ ठीक है बढ़िया, अभी तो है, आ तो नहीं रहा पीछे से भाई, देखा कितना बढ़िया यूज़ किया मैंने। अरे लेकिन एनर्जी नहीं है अब, अरे बाप रे भाई, देखियो ना पीछे ना देखियो। अबे बैठ के भी मारता है, पता नहीं मैंने क्यों ऐसा बोला नहीं मारता, भाई बैठ के भी मारता है, पर पता नहीं क्यों पिछली बार नहीं मार रहा था। एक और आया, शिट एनर्जी नहीं है। अरे मार गया भाई, मान गया भाई, मैं भी मान गया। गेम तो ऑसम है भाई, मुझे ये नहीं मालूम इस गेम को पता नहीं क्यों माइनस पॉइंट दिए हैं, पता है डेलो, मतलब लोगों ने। ये बैच था, एक अटेम्प्ट किया है भाई, संभल कर, सबको मारेंगे अपने, फैजू बन जाएंगे फैजू, वो गैंग्स ऑफ वसुपुर वाले फैजू, वो टिकटॉकर नहीं। अबे यार हेल्थ कर ले, एनर्जी बढ़ा ले, एनर्जी बढ़ा ले, एनर्जी बढ़ा ले, तो गया तू
टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी एनर्जी बढ़ा बे। वो लास्ट देख के उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे दो बंदे हैं, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया भाई। बदकिस्मती देखी मेरी, बच भी गया लेकिन। इधर इसी को मार, इसी को मार, बाद में आया था ना तेरी तो। खड़ा हो जाऊँ क्या? थोड़ा डर है, रिस्क है, लेकिन चलो कोई नहीं। वो रुकेगा तो थोड़ी देर तो रुकेगा ना, पीछे नहीं मुड़ेगा वो। सोचो बेचारा मरने वाला है एक सेकंड में। ए देखना आगे भी एक आया, राइट साइड में भी एक आया। अरे यार ये मेन टास्क है, इन सबसे बचना है आपको। खाली एक को नहीं मारना आपको, इन सब पे नजर रखनी है। ये बैच था, बढ़िया था भाई, बढ़िया था, बढ़िया था। एनर्जी भी रिकवर कर ले, और अगर ये प्लग ऑन ऑफ होता है तो प्लग ऑन ऑफ कर ले, क्योंकि पीछे ही बंदा है तेरे। एनर्जी है नहीं तेरे पास, संभल कर, संभल कर। वो एक बंदा ऊपर से नीचे से आ रहा है, बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है। क्योंकि ये करंट वाले को तो मार ही नहीं सकता मैं, नहीं मार सकता। चलो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अच्छा 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 है। अब ये देखो कि भाई आपको करना क्या है यहाँ पे, आपका कुछ काम है तो करो। अच्छा हाँ ये रहा दरवाज़ा। अरे भाई गार्ड स्टोरेज ओपन हो गया, पर कहाँ पे ओपन हुआ भाई मुझे नहीं पता। वो मुझे सही में नहीं मालूम कहाँ पे ओपन हुआ, बस इतना पता है कि ओपन हुआ है। ये क्या है, मैप पड़ा है, कुछ पड़ा है ऊपर। संभल कर, संभल कर, संभल कर, संभल कर, एनर्जी बढ़ा ले। ये देखो करंट वाला ही है, पागल आदमी। आइचा आइचा गावत गया भाई मैं, मेरे बचने के कोई चांस नहीं है। तीन तीन गार्ड मेरे पीछे पड़े हैं, ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता है। ऊपर वाले एनर्जी तो फुल करा दी तुमने, लेकिन करंट भी मरवा दिया यार। बैठ कर ही मारो भाई। नहीं कई बार मारता है बैठ के, कई बार नहीं मारता, वो फिर कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या करें। अब गार्ड का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम कि गार्ड का गेट है कहाँ। हाँ लेफ्ट साइड का मैंने दरवाज़ा एक भी नहीं देखा। अरे सब करंट वाले हैं भाई, सब करंट वाले हैं, सारे के सारे गार्ड यहाँ तो करंट वाले हैं भाई। पूरे शरीर से उनके करंट निकल रहा है, गलती से भी छुआ ना मैंने तो भाई मैं ही मर जाऊँगा। अबे फंस गया मैं, डेड एंड पे आ गया, सही में डेड एंड आ गया। अरे बाप रे है ही नहीं आगे, देख लिया क्या? अरे लेफ्ट साइड से आके मार दिया भाई, मानना पड़ेगा। अब असली टफ आया, अब यहाँ से पजल सॉल्व करो। अभी तक तो सब बहुत आसानी से हो रहा था। उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। मैं लास्ट टाइम दौड़ते दौड़ते पता नहीं कहाँ पहुँच गया था। अच्छा हाँ ये रहा मैप है, तो मैप देख भाई, इसमें कहीं गार्ड करके लिखा होगा, गार्ड स्टोरेज टर्मिनल। ठीक है वो तो मैंने ऑन कर दिया, ठीक है बढ़िया। मेरे को लगता है वापस जाना है क्या, क्योंकि एक रेड साइन भी आ रहा है यहाँ पर। आगे फ्लूट सैंपल भी है लेफ्ट साइड में, अब चलो देख के आते हैं फ्लूट सैंपल, फिर बाहर निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ से कैसे निकलना इन लोगों के करीब से। मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, थोड़ा सा, जितना ज़रूरत है उतना। अरे यार ये राउंड मारता है बंदा। अरे प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं। अरे यार दोनों आ गए, अवतार बदलूँ क्या भाई? प्लीज़ बचा लेना। ये देखना, अरे बाप रे भाई कहाँ से आएगा, अभी तक तो नहीं आया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? आया 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 भाई आया। अब क्या करें भाई, जो दिमाग है उतना लगा रहा हूँ मैं, और कोई रास्ता है नहीं। ये यार कहाँ से आएगा? आया आया, इधर आया, इधर आया। अब इधर आ जाए, मेरी तरफ आ जाए प्लीज़। हाँ ठीक है बढ़िया, बहुत सही भाई, आराम से आराम से आराम से। हाँ चल चल चल, दौड़ता तेज दौड़ ले। अरे ये क्या हुआ, मैं अवतार बदल रहा हूँ, अवतार बदल रहा हूँ, मार दिया फिर भी। अबे मैं तो तेरा भाई था, मुझे क्यों मारा रे? अवतार बदलते हुए देख लिया, मतलब ये भी नाटक है, अवतार बदलते हुए भी नहीं देख सकते। अरे बाप रे भाई 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 भाई, छोटा भाई समझ के ही माफ कर दे। ऊपर तो नहीं आ रहा पागल आदमी, आ रहा है ऊपर, आ रहा है सही में ऊपर आ रहा है ये तो। खड़े हो जा भाई, इसकी इसी खड़े होके लेंगे। अरे आपको चल ही नहीं रहा। अरे मुझे कोई करंट लग गया, क्यों 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 यार, काहे भैया काहे ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, दांव कर रहे हो तुम। एक रास्ता और है, अब यहाँ से सेंटर में आ जाओ पहले। ये तो सब पूरा खाली है भाई, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से तुम वापस उधर जाओ कॉर्नर पे, देखो ये रास्ता है ना। अब यहाँ से आप सीधा सीधा गली पकड़ लो,
अरे एनर्जी पड़ी है भाई, एनर्जी ले ले। तो भला हो कि वो देख नहीं रहा। नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा भाई। अवतार बदल ले, ऐसा कर अवतार बदल ले, कोई नहीं। और थोड़ा तेज दौड़ ले, कोई टेंशन नहीं है अवतार में। वापस से मुझे बदलना हो तो अच्छा एनर्जी बचती है। ये बेस्ट था, मतलब जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट पार्ट था। ऐसा कंपल्सरी जरूरी नहीं है कि ए मानना 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 पागल आदमी, मानना पागल आदमी, मानना क्या कर रहा है। अरे यार अब एनर्जी आएगी नहीं तेरे पास, इसको दौड़ा ले। मरा, बच गया बच गया। दौड़ा ले थोड़ा और, दौड़ा ले थोड़ा और, दौड़ा ले। मज़ा आ गया भाई, पकड़म पकड़ाई चालू है भाई दोनों की। अरे दौड़ लेना दौड़ लेना, प्लीज़ दौड़ ले मेरे भाई, प्लीज़ दौड़ा ले थोड़ा। अवतार चेंज कर अब अबे अभी भी पीछे आ रहा है ये तो। इसको तो कोई शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं भाई, इसको शर्म हया कुछ है ही नहीं। अबे तेरा भाई हूँ मैं, मेरा भाई तू मेरा यार है। देखो वो दूसरा वाला नहीं दौड़ रहा, सिर्फ यही दौड़ रहा है पागल। रुक जा देखो मारता हूँ मैं तेरी तो। अरे एनर्जी खत्म, शिट गड़बड़ हो गई। कोई नहीं अभी फिर से एनर्जी इकट्ठी करूँगा मैं। ये अच्छा है भाई, इस गेम में थोड़े बहुत फ्लो भी हैं। वो फ्लो का फ़ायदा उठाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे फ़ायदा उठाते हो। अबे एनर्जी तो बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि एनर्जी बढ़ाने के लिए सांस रोकनी पड़ती है, सांस तो रुकेगी नहीं मेरी। एक फ़ायदा ये हो रहा है कि मैंने पूरी जगह देख लिया, अब यहाँ पर कुछ नहीं आना बेकार है भाई, पैसे बर्बाद हैं। एक बार मैं पूरा लेफ्ट साइड भी देखा हूँ। आई आई एनर्जी आई भाई, एनर्जी आई। लेकिन अच्छा है भाई, ये मज़ेदार है। दो दो बंदे आ गए, आ जाओ भाई सबको दौड़ाऊँगा मैं। मैं नीरज चोपड़ा के वहाँ से हूँ, नीरज चोपड़ा जो आपको हराएंगे बहुत बुरी तरह से। ये आगे भी दो बंदे खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पागलों लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, हाँ निकलना है यहाँ से भाई, पूरी आर्मी मेरे पीछे है। अरे यार ये तो गलत आ गया, मैं गलती कर दी, कुछ हो नहीं रहा मेरे को, पता नहीं क्या। मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ, पता नहीं बच गया मैं, निकल गया अभी। गजब बेइज्जती, ये गेट आ गया अपने आप, ये क्या है। अभी भी आ रहे हैं क्या वो लोग? नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं नहीं आ रहे नहीं आ रहे, रुक गए वो लोग। भाई बहुत दौड़ाया बहुत दौड़ाया बहुत दौड़ाया, दम दबा के दौड़ाया भाई सबको, इतना दौड़ाया इतना दौड़ाया इतना दौड़ाया, थक गए बेचारे। चलो वो अपने दौड़ने का वक्त है। यहाँ पर सबसे बाहर निकल रहा हूँ मैं, जो एंट्री गेट था ना वहाँ जा रहा हूँ मैं। मुझे लगता नहीं और कुछ यहाँ पे बाकी है, बस मरियो ना यहाँ पे, मरना मत बस। ठीक है क्लियर है, आगे का तो क्लियर है। अब नए गार्ड आ गए हो तो पता नहीं भाई मेरे को। हाँ यहाँ से निकल लो बाहर। अरे वो एक नया गेट आया, वो आगे देखो वो नया गेट आया, ये पहले नहीं था यहाँ पर। पर सवाल ये कि मैं ऊपर कैसे जाऊँगा। अरे यार इसको मत कर, ये मत यूज़ कर, ये नया दरवाज़ा है गार्ड स्टोरेज, यही तो खुला है दरवाज़ा, यही दरवाज़ा खुला है। पर ऊपर कैसे जाऊँ मैं, जंप का पावर तो है नहीं मेरे पास, शायद पीछे से होगा। अरे हाँ एक चीज़ और है, देखो 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 देखो, देखो क्या दिमाग है गेम का। नहीं नहीं पता नहीं यार दिमाग है क्या। एक राइट में देखो, हाँ भाई यही करना है। ये देखो भाई यहाँ से आपको, ऑसम। ये हमारे बेनिफैक्टर हैं, ये हमको पैसा देते हैं। शुभम सेन गुप्ता है क्या? ये देखो इस गेम में एटलीस्ट दौड़ा दौड़ा भागा भागा। अरे बहुत दौड़ाया भैया, इतना दौड़ा। ये देखो पासवर्ड डाला है, डिप्लॉयड ऑल द आर्म्ड एंड एनहांस्ड विजन गार्ड्स। ये कब का मेल है देखो, तारीख देखो 11/16, मतलब 16 नवंबर 1975 का मेल है। में इंटरनेट था भी कि नहीं था यार, मुझे नहीं लग रहा था, कंप्यूटर ही मुश्किल से थे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो कोई नहीं अपने, हाँ मैप देख लो एक बार। ठीक है ये आ गए हम लोग। अब हमें कहाँ जाना है देखो, आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, और कंट्रोल रूम ओपन करना है। मतलब ठीक है आगे से लेफ्ट, और फिर बाहर निकल के सीधा। नहीं यहाँ भाई, यहाँ नहीं भाई, यहाँ से लेफ्ट। अरे वो कौन खड़ा है सामने? ओ भाई कितने सारे बंदे दिख रहे हैं, 1 2 3 ऊपर से सारा का। यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट बनेगा भाई इस गेम का, ये गेम का बेस्ट पार्ट है स्क्रीनशॉट। यहाँ से लेफ्ट जाना है मुझे, राइट नहीं। ए बंदा जीवित है एक, तो मुझे लगा सब मुर्दे हैं।
करंट वाला है ऊपर से, फंस जाऊंगा भाई मैं। यहाँ तो कोई नहीं है ना, चलो कम से कम ये अच्छी बात है यहाँ कोई नहीं है। ये कोई आया क्या मारने? कोई मार दिया मैंने जो भी था। अरे इसको मार दिया, इसको पता नहीं कहाँ से आ गया ये। वो तो अच्छा है कि वो उसने मेरे पर अटैक नहीं किया। हाँ एनर्जी यहाँ पर है, बहुत अच्छे। ये देखो भाई कितने सारे हैं। ये पैदा हो रहा है, ये अभी तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया अचानक? गायब भी हो गया, कहाँ गायब हो गया? अबे कुछ हो रहा है भाई गेम में, ये लोग पैदा हो रहे हैं कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, पर कुछ हो रहा है गेम में अजीब सा। मैंने देखा था, और ये मशीन की आवाज आ रही है जैसे मशीन पैदा कर रही हो रोबोट्स को, और नए रोबोट्स मतलब अनलिमिटेड पैदा होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, आपको उसी में मैनेज करना है। मैं भी खड़ा हो जाऊं क्या? हे ये मेरे को क्यों देख रहा है? ये हड़िया 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 करंट ऑन कर रहा है वो, करंट वालों से तो बचना है भाई पूरी तरह से। मुझे जाना है लेफ्ट साइड, पता है मेरे को जाना लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड में तो बहुत सारे बंदे हैं। देखो अभी कोई नहीं दिख रहा, देख लो कोई नहीं है यहाँ पे, अब अचानक से आ जाए तो मुझे नहीं मालूम। देखो आवाज़ तो भयानक आ रही है, कीबोर्ड चलने की कुछ टाइप होने की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं कमरे में। नहीं है देखो कोई नहीं है, मैं फुल चल रहा हूँ यहाँ पे, वो अचानक कोई आ जाए तो पता नहीं यार। ये देखो अबे ये कहाँ से आया ने? अच्छा अरे अरे कुछ अलग ही जा रहा है भाई गेम, मतलब है कुछ है लेकिन क्या है समझ नहीं आ रहा। मैं अभी समझ नहीं पा रहा वो हिस्सा इस गेम का। मुझे लगता है कि ये लोग तो जिंदा नहीं हो जाते जो अंत में स्टैचू बने हुए हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ भैया ये देखो, ये जो बंदा है ना, ये जो रोबोट्स हैं, ये जिंदा हो जाते हैं एक एक, पता नहीं कैसे रैंडमली पता नहीं क्या। एक बंदा तो दिख गया मुझे, एक तो दिख गया। रेड लाइट में नहीं अंधेरे में रहो तो बचोगे, नहीं तो खत्म कहानी। अरे बाप रे कितने सारे रोबोट्स बनाने का प्लान है, और करंट वाला बंदा ही है। मैं ऐसा कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है, खड़े हो जा भाई खड़े हो जा, और अवतार चेंज कर ले। हटिया मेरे दोस्त, इससे बेस्ट मेरे को लगता नहीं है वक्त मिलेगा मुझे। हाँ इसको जल्दी ऑन कर जल्दी पीछे जा, यहाँ से निकल किसी भी तरह। अवतार ख़त्म होने वाला है तेरा। हटा ले बस कवर कर ले भाई साहब। एक दो तीन, कितने सारे खड़े हैं यहाँ पे। अरे बाप रे बच गया भाई मैं। वो देखो तीन तीन बंदे खड़े हैं, और एक तो सामने करंट वाला आ रहा है। एक्चुअली मैं एनर्जी बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अवतार बदल ले रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, अब कर ले अवतार हटा ले। मैं बोलूँ तब दबाना, दबा। बस बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। वो देख तो नहीं रहा, बस बिंदास एकदम बिंदास भाई। वो देखें तब तुरंत अवतार चेंज कर देंगे हम लोग, अभी इस स्किल का पूरा यूज़ करेगा पुन। अब देख लो कोई नहीं है यहाँ पे। अब अच्छा ये क्या है? अरे इनके बॉडी पार्ट्स यहाँ पे असेंबल होते हैं सब। काश मेरे को कोई एक दो इलेक्ट्रिक पार्ट दे देते ये वाली ताकत। अभी एक ताकत एक्चुअली आना बाकी है पता है, यू ई वाली। अरे यार ये कहाँ से आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगी भाई राउंड मारेगा तो। चला गया। पर गलत जगह गया यार, उससे अच्छा इधर जाता तो ज़्यादा अच्छा था, दूसरी दिशा में। कहाँ गया गेम भाई? मैंने जितना सोचा था ना, क्योंकि मैंने भी भाई डेफिनेटली मैं जब भी कोई गेम खेलता हूँ तो कुछ तो सोच के खेलता हूँ कि हाँ भाई इतनी ईजी होगी। जैसे कल वाली गेम थी भाई वो बेकार गेम थी, वो मैं कबूल करूँगा पूरी तरह। नहीं ए, पीछे से कौन आया? अरे यार ये अनफेयर है, ये तो अनफेयर है भाई। डेवलपर ने ग्राफिक अगर पैसे कमाए तो क्या ग्राफिक्स ये। अरे यार ये पैदा होते ही मार दिया इन लोगों ने तो, देखने ही नहीं दिया। चलो कोई नहीं अभी भाई निकल ले, लेफ्ट साइड से निकल ले, कुछ है ही नहीं लेफ्ट साइड। लोग पुराने पिक्चर का सीन याद आ रहा है एनवीजेड को। हाँ भाई उसमें भी हीरो ऐसे ही जाता था, ऐसे ही लगता। ये क्या है रोबोट? ये तो नया विलन आया रोबोट, जरा देखूं ये विलन है कि क्या है। अरे भाई साहब सही में विलन है, मैंने तो मजाक में बोला कि विलन है ये, पर सही में विलन है।
रुको भैया मैप देखो, मैप आपकी हेल्प करेगा। ठीक है सीधा 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 ही निकल जाओ भाई, सीधा सीधा ही निकल जाओ, अननेसेसरी समय बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हम लोग क्या होता है, बंदे तो नहीं है बस। ठीक है राइट साइड में एक्चुअली सेंटर में एक वो है, क्या नाम है, मिशन है, एक मिशन नहीं वो एनर्जी है, मैं एनर्जी लेना चाहता हूँ वाली, उसकी तलाश में हूँ, उसकी फिराक में मैं हूँ। अरे सेंटर में बहुत बंदे हैं भाई, लेकिन आया, किसी की नज़र तो पड़ी, किसी की नज़र तो पड़ी, आवाज़ आई एक झक से। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं है, दिख रहा है आपको, कोई नहीं है पीछे, अचानक से अब कहीं से आएगा कोई, पैदा होगा, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ से पैदा होता है, लेकिन ये तो सामने से आ रहा है, ये तो मेरी गलती थी। अरे यार इधर भी बंदे, इधर भी बंदे, हर तरफ बंदे बंदे बंदे, मजाक है क्या, ये तो चला जा रहा है। बेस्ट है बेस्ट है, मार 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 इसको भाई। अरे गलती कर दी, शिट, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती भाई, मेरी गलती, बहुत बड़ी गलती। आराम से पार हो जाता ये वाला हिस्सा, मैं पागल था मैं जो मैंने ऐसा किया। राइट से गया था कि लेफ्ट से, लेफ्ट से गया था। अब ये लेफ्ट में एक डर है भाई, ये बंदा असली है, जीवित है कि मुर्दा है पता नहीं, ये ऊपर वाला, मार के देखूं क्या। अरे जिंदा था, जिंदा था, दुष्ट एक्टिंग कर रहा था स्टैचू बनने की, ये तो गजब नाटक नौटंकी है भाई, ₹5 दो भाई एक्टिंग का। अरे यार, अरे यार एनर्जी नहीं थी तो, एनर्जी लोड होने में वक्त लगता है पंचिंग वाली। इस बार सीधा अंदर ही घुस, सीधा अंदर ही घुस, लेफ्ट साइड में बंदा निकल ही रहा होगा बाहर। आजा भाई आजा, आजा सामने से आना, आजा, बहुत अच्छे भाई आ जाओ, अभी तो मैं फुल फॉर्म में हूँ, तुम लोग मेरा समय बिगाड़ रहे हो। इसको मारने पे क्या होगा देखूँ जरा, ये देखना भाई, वो करंट वाले से बचना, बाकी सब ठीक है, करंट वाले से नहीं मरना बस। अच्छा हाँ करंट वाला है, एक बार करंट पैदा करता है, दूसरी बार करंट पैदा नहीं करता, पता नहीं क्या लॉजिक है इसका। अरे यार मैं कहाँ फंस गया, यहाँ कोई मशीन है कुछ दिखा रहा है अजीब सा। प्लीज़ इधर मत आइयो, इधर मत आइयो, बहुत अच्छे भाई, बहुत होशियार है। ये क्या है, बॉडी सूट कैसे बनता है वो बताया यहाँ पे। अवतार मत चेंज कर, कहाँ गया वो, निकल ले यहाँ पे, आगे कुछ नहीं है भाई। नहीं नहीं अवतार चेंज कर ले, कोई बात नहीं। अरे ये तो वही है कंट्रोल रूम वाला है, ये तो बेकार है भाई, ये तो पार हो चुका है, ये तो पार हो चुका है, इसका टेंशन नहीं है। अब संभल कर, अब संभल कर, अब मेन टास्क आ रहा है यहाँ से निकलने का, सीधा कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम शुरू हो रहा है। अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को, ये अच्छी बात है। जाऊँ क्या लेफ्ट साइड, चलो चलो चलते हैं भाई, कोई बात नहीं। कितने घंटे का गेम है भाई मुझे नहीं पता यार, वो तो मेरे को बहुत खेलना पड़ेगा पूरा, तब पता लगेगा, मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं इसके बारे में। इंडी गेम है भाई, एक या दो लोगों की टीम ने बनाया, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों ने ही बनाया। अरे आ गई मशीन, आ गई, चल भाई मशीन को फोड़ते हैं, एनिमेशन देखना है मेन तो। अरे बंदा भी है यार साथ में, अबे यहाँ तो आए थे अपने, बहुत सही मारा भाई बहुत सही। अरे ये तो करंट वाला है बंदा, बाप रे, अच्छा वो निकल लिए भाई हम लोग, ये तो मर जाते हैं और क्या। लगता मैं घूम फिर के फिर गलत आ गया, म्यूजिक बज रहा है। ये देखो, अरे अब देखा मैंने इसको यार, मतलब ऐसा होता है। वो देखो पीछे भी एक आया, पीछे भी एक आया, उसकी हिम्मत देखो 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 देखो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है भाई। एनर्जी कर ले एनर्जी कर ले एनर्जी कर ले, प्लीज़ एनर्जी आ जा, प्लीज़ एनर्जी आ जा, बंदा आ रहा है इधर ही, देखा कैसे जीवित होते हैं वो मुर्दे में से। एनर्जी क्यों नहीं आ रही मेरी, अच्छा रोशनी में हूँ, ओके आपको कवर लेना होता है शायद। हाँ एनर्जी हुई भाई, आवाज़ आ रही कहीं, किसी के फुटस्टेप तो आ रहे हैं पर बहुत दूर से आ रहे हैं। अब रेडी हूँ मैं, रेडी हूँ। अच्छा ये भी लॉजिक है भाई कि आप अंधेरे में अगर रहोगे ना तो ही आपका एनर्जी हील होगा, नहीं तो एनर्जी हील नहीं होगा। अब तो डर लग रहा है भाई, कहीं से कोई भी मार सकता है, रूट चला गया। अरे भाई लेकिन ये इसको मार मार, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, एनर्जी फिर गंवा दी। लेकिन यार एक बंदा दिख रहा है सामने, एक है कि दो है, एक ही है, एक ही। एनर्जी आ जा फिर मैं बढ़ूँ, और इधर ही देख रहा है, प्रॉब्लम ये है। चलो मैं धीरे धीरे आगे निकल रहा, ए दो बंदे हैं, बच गए बच गए बच गए बच गए, एकदम सही वक्त पे।
वो देखो बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, कोई जीवित हुआ क्या भाई? ये सीन जब भी आवाज़ आती है समझने का कोई जीवित हुआ है कोई, इसको चले जान दो। मैं ऐसा कर रहा हूँ, अबे एक और आ गया पीछे से, क्या नाटक है। अरे यार मैंने कहा ना बहुत एडवांस लोग हैं भाई। पूजन कह रहे कितनी गलती करोगे भाई, देखो गलती वाली गेम है, मैं मानता हूँ गलतियाँ भी मैं कर रहा हूँ, पर ये गेम हर बार मुझे कुछ नई चीज़ सिखा रहा है। मुझे तो पता नहीं था कि मूर्तियाँ जीवित होती हैं, मेरे लिए तो मूर्तियाँ मतलब बस एंड है भाई, ये हिलने डुलने नहीं चाहिए। पर रैंडम तरीके से कोई भी मूर्ति जीवित हो जाती, मैं अवतार बदल रहा हूँ, ये बेस्ट वक्त है भाई। चल चल थोड़ा तेज़ दौड़ ले, मैं देखता हूँ तेज़ दौड़ने पर कुछ होता है कि नहीं। अच्छा तेज़ दौड़ने पर कुछ नहीं होता भाई, तो चल 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 फटाफट निकल, ये बेस्ट था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अवतार बदल ले, बहुत सही। अब हर बार मैं यही यूज़ करूँगा, हर बार अटैक करना बेहतर नहीं होता। और पता है एक रीज़न था मेरा पीछे रुकने का, मैं सारे मिशन पार कर रहा था, हर चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, अब मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे डू नॉट टच गार्ड दैट डोंट हैव द ब्लू सेफ्टी कवर्स ऑन, दे कैरी एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक करंट। भाई अब जाके बता रहे हो, जब मेरे को 5 बार करंट लग गया तब, अब बता रहा है कि उन लोगों को नहीं छूनेगा जिसके शरीर पे वो करंट वाला ऑप्शन हो। अबे ये क्या है, ये क्या है, तोड़ूं क्या? नहीं हाथ नहीं चल रहा मेरा, कुछ नहीं हुआ, एनर्जी चली गई। वो बंदा भी है यहाँ पे ऊपर से, ऊपर ऊपर ऊपर, पता नहीं क्या था। अच्छा ऊपर नहीं है तो ऊपर क्या है? अच्छा ऊपर भी कुछ है भाई, ये तो दो दो रास्ते हैं। नहीं अच्छा ऊपर से तो मैं आया यहाँ पे, क्या यार इतनी बड़ी गुफा में भाई, आप सोचो ये लोग। अच्छा ये लोग तो मशीन है यार, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग तो मशीन्स हैं भाई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गायब कहाँ हो गया वो गार्ड जो खड़ा था अभी यहाँ पे, खड़ा था गार्ड था एक, गायब हो गया, कहाँ चला गया भाई तू? अरे अभी यहीं से गया था मेरे सामने से, ये राम है। चलो वेयर हाउस एग्जिट टर्मिनल, ठीक है आगे से राइट, राइट आगे से राइट फिर लेफ्ट जाना है, ठीक है आगे से राइट फिर लेफ्ट। कोई है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल भाई, सही में कोई नहीं है यार। आगे से राइट, ठीक है यहाँ से राइट फिर लेफ्ट, आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है पर। अरे करंट वाला बंदा है, करंट वालों से मैं दूर रहूँगा, पीछे से आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। आ रहा है सही में, आ रहा है पीछे से, यहाँ कुछ है क्या? हो तो मैं ले लूँ, नहीं तो भी भगूँ यहाँ से मैं भी। मेरे ख्याल से आ रहा है, अवतार चेंज करो। हाँ ठीक है कोई टेंशन नहीं। अरे बाप रे कितने सारे करंट वाले हैं भाई यहाँ पे, तो अलग ही लेवल के सब। अवतार बदल रहा हूँ, थोड़ी देर होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए देख लूँ ना कहाँ पे क्या है। ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही वक्त पे बदला अवतार, ये तो अभी टाइम टाइम फिस होती तेरी। ये बहुत काम की चीज़ है भाई अवतार चेंज वाला ऑप्शन, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम का है एक्चुअली, पूरा गेम बदल देता है ये। बस ये है कि सही वक्त पे ऑन करो, सही वक्त पे ऑफ करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब देखो ये दरवाज़ा जो है ये शायद करंट वाला है, पता नहीं मैं खोलूँ कि ना खोलूँ समझ नहीं आ रहा। नहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं वो। यार कुछ तो मिल जा, हाँ थैंक यू, कब से मेहनत कर रहा था कुछ अलग मिले, कुछ अलग मिले, कुछ अलग मिले, अब जाके मिला। आगे से राइट लेफ्ट था भाई, ये तो वापस निकल गए हम लोग। अरे भाई यहाँ से तो, यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से जा तू वापस जा, मैंने सारी जगह नहीं देखी। ये तो भाई अभी 2 मिनट पहले आ चुका था मैं, पूरा का पूरा यही मैप है, वापस से वही मैप आया। ये कुछ अलग है, आराम से करंट वाला है। अरे दोनों बंदे बिना करंट वाले हैं। एक मिनट ऐसा करो अवतार चेंज करो फिर मारो मेरे हिसाब से। अरे पीछे भी एक है, वो करंट वाला है पीछे वाला, तो अवतार चेंज कर, अवतार चेंज कर, इसको ख़त्म करिए वाले को। बहुत बढ़िया, अवतार बदला कि नहीं, ख़त्म। कोई नहीं कोई नहीं, इसको रिकवर करो फिर मारेंगे। अवतार जल्दी रिकवर हो जा, रिकवर हो जा, रिकवर हो जा, रिकवर हो जा मेरे भाई, नहीं तो अभी आ जाएगा पीछे से एक। एनर्जी नहीं हो रही कुछ, पता नहीं क्या नाटक है, हील नहीं हो रही। प्लीज़ हो जा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई। आ इधर आ इधर आ इधर आ, अवतार चेंज करूँ कब वो देख रहा हूँ। कोई नहीं
थोड़ा और हो जाए फिर मारूंगा इसको। खड़े हो जा खड़े हो जा खड़े हो जा। हाँ ठीक है, कहाँ गया? आया 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 भाई, आ जा, तेरे सामने से जाके मारूंगा तेरे को। क्या मजाक है, यही सोच रहा होगा बेचारा। वेयर हाउस एग्जिट ओपन, अब जाके एग्जिट ओपन हुई वेयर हाउस की, अब जाके गेम ओपन हुआ भाई। अभी तक तो ऑन था, जो मैं कह रहा था ना राइट जाना है लेफ्ट जाना है, एक्चुअली अब गेम ऑन हुआ। ये देखो सब क्वेश्चन मांगे, ये क्या है? अरे ये क्या है, पासवर्ड डालना है, कुछ पासवर्ड डालना है यार। ए पीछे देख यार, पता नहीं कौन सा पासवर्ड था लेकिन अजीब सा था कुछ। हाँ मैप अच्छा हो, मैप के पास आ गया मैं। ठीक है मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे जाना है, अच्छा आगे से राइट जाना है, फिर पूरा पूरा राइट, फिर राइट जाके फिर सीधा निकल जाना है। ठीक है ठीक है, मैप देख रहा हूँ मैं, आगे से राइट जाओ फिर राइट जाओ और फिर सीधा निकल लो। ये सिंपल सा फंडा है, इतना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं यहाँ पे। जो पासवर्ड था वही मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या था, या तो मेरे को कोई चीज़ ऐसी देखनी पड़ेगी जो करती हो। कोई नहीं, अभी आगे से राइट फिर राइट जाना है ना। ठीक है कोई बात नहीं, करंट वाला है ये? हाँ करंट वाला है भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अवतार चेंज कर, अवतार चेंज कर, अवतार चेंज कर, कोई बात नहीं। आगे से राइट, ठीक कोई इशू नहीं, चल चल फुल स्पीड से भाग। दो राइट हो गया, अब सीधा सीधा, पूरा सीधा सीधा रास्ता है पूरा। एनर्जी बचा के रखियो बस, निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले, पूरा सीधा सीधा पूरा। अवतार चेंज कर, अबे तो सीधा सीधा ख़त्म हो गया रास्ता, ये क्या नाटक है? इस लाइन में साथ दूसरा दरवाज़ा भी होगा, पर ये दरवाज़ा तो यार ये तो मुझे बाहर ले जा रहा है, यहाँ तो मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। अगर ये सही रास्ता होता ना तो पता है क्या होता है, यहाँ सेव का बटन लिखा था, सेव नहीं लिखा रहा, मतलब ये सही रास्ता नहीं है शायद मेरा, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। ये सब जगह तो जा चुका हूँ भाई मैं, या हो सकता है सही भी हो क्योंकि कंट्रोल रूम से एग्जिट तो होना ही है। फिर से उसी घर में घुस रहा हूँ, ये चीज़ मुझे याद आ रही कि वो रास्ता सीधा ही था, ये मैं सीधा नहीं गया हूँ, मैं थोड़ा सा आड़ा हो गया यहाँ पे, वहाँ मेरी गलती है। क्या इसका मतलब ये है कि, अरे ये देखो ये देखो, ये देखो भाई कहाँ ना, अरे यार ओए मार के भाग गया दुष्ट कहीं का, बंदर कहीं का, एक मिनट मारा भागा भाई तुरंत, दुष्ट है। देखो मैप सिंपल साधा है, यहाँ से आपको ये कौन मार गया? अबे तेरी मैप तो पढ़ने दे, गजब बेइज्जती है भाई। लाइक गोल की गाड़ी कहाँ पहुँची? 200 भी नहीं हुआ यार, दुख की बात है। रुको मुझे देखने दो, आगे से लेफ्ट राइट राइट फिर, अच्छा अरे यार सीधा निकल के भी लेफ्ट साइड जाना है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है अब समझ गया हूँ, अभी तो अवतार पे घुसूंगा, सीधा अवतार बनूंगा मैं, मैं तुम्हारी। अबे हट अबे हट अबे, अरे यार ये क्या हो गया? मेरा अवतार अवतार जो है ना दिख गया भाई, मेरा अवतार दिख गया, सब गड़बड़ हो गई सब। कोई आ रहा है कोई आ रहा है, अरे तेरी भाई इतना नज़दीक कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं समझ में आ रहा। एनर्जी फुल हो जा पहले फिर मैं निकलूँ यहाँ से। अरे भाई यहाँ से निकलना है यार, और क्या सिंपल सा है। अरे रे 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 रे, ये तो पैदा ही नहीं होने दे रहे, पैदा होते ही गेम बजा डाल रहे हैं मेरा, पीछे हो जा थोड़ा तो गेम बचती रहेगी तेरी। ये देखो 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 देखो, देखो, देखो दुष्ट कहीं का, ये चमक 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 गया मेरा चमगादड़, ये चमेलियन नहीं चमकादड़ हो, इनका नाम चमकादड़ होना चाहिए, चमकाधर गंगाधर था वैसे ही। एनर्जी आ जा फिर बताऊँ मैं तेरे को, रुक फुल दौड़ता हुआ निकलूंगा तेरे करीब से ही, तुझे पता भी लगेगा। गायब हो गया गायब हो गया, नहीं नहीं जा रहा है जा रहा है, जान दो बेचारे को।
अवतार, हड़िया 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 पागलों, अबे पागलों हटो, तुम्हारी तो मेरी एनर्जी खा गए गधे कहीं के। हाँ सीधा सीधा निकल, एनर्जी बचा ले अभी, अभी किसी काम की नहीं। अरे ये गलत आ गए शायद, ये एग्जिट रूम नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से भी लैब जाना है भाई, इस तरफ तो ध्यान गया नहीं हमारा, यहाँ से भी लैब जाना है। खाली यहाँ पे ऐसे आगे रुकेगी नहीं गेम, यहाँ से अब लैब जाओगे तब पूरा होगा मिशन। ये देखो एग्जिट है ना शायद, पता नहीं। अरे यार कोई पीछे आ गया, हो ये देखो भाई, अरे बाप रे पीछे एक बंदा आ रहा है शायद, मेरे हिसाब से मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पागल आ रहा है एक, पता नहीं क्या करने आ रहा है, वो भी मुझे मारने आ रहा है। पूरी एक गुफा है, डोंट वरी भाई गेम पूरी नहीं हुई है, इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी ये गेम। अरे ये कहाँ पहुँच गए, अरे ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव एस्केप द मून। अबे लेकिन मून एस्केप द मून, पर ये बंदा मेरे पीछे क्या कर रहा है, देखो तो मैं वो करता हूँ डॉच करता हूँ। अभी भी आ रहा है क्या, नशे किया है भाई बंदे ने, अबे अभी भी आ रहा है, सही में अभी भी आ रहा है यार, अभी भी आ रहा है क्या पागल है। देखूं जरा देखूं क्या, नहीं रुक गया, देखो रुक गया रुक गया, वो रहा मिल गया हूँ, देखो रुका हुआ है हो रहा हो रहा हो रहा, हवा में अटक गया बेचारा। चलो भाई इसको छोड़ो, यहाँ पे आगे बढ़ो। ग्राफिक्स देखा कितना औसम आए थे, अलग ही लेवल का। अब ये रेड मतलब क्या है, कोई खतरा तो नहीं है, नहीं 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 ये लाइट है। चांद पे पहुँच गए हम लोग, मून से निकल रहे। अरे ये क्या चीज़ है, अरे बंदे भी हैं ऊपर, करना क्या चाहते हो। लेकिन मैं अवतार बदल रहा हूँ, उनको मारूंगा मैं। अरे यार क्या बड़ी गलती कर दी लो, चलो अच्छा है कोई बात नहीं, हमने चेक पॉइंट सेव कर लिया था, तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है यहाँ पे दरवाजे एक दो दिख रहे हैं, ये कौन सा दरवाजा है, इन्फॉर्मेटिक्स। अरे भाई विलन देखो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, वो हवा में से फायर हो रहा है, तो कॉन्ट्रा की याद आ गई मुझे। कॉन्ट्रा में भी एक होता था ऐसे, एक मिशन आता था जहाँ पे आपको, अबे लेकिन ये तो फिर बहुत ज्यादा विजुअल है यार, गलत बात है। वो देखो इंटरेस्टिंग ये होगा, वो दोनों तरफ से मारती है कि एक तरफ से मारती है। अरे भाई पूजन क्या स्पैम कर रहे हो यार, ईयरफोन लगाओ ब्रो पूजन। अवतार बदल रहा हूं मैं, अबे तो फिर भी मार रहा है, मेरे ख्याल से इसके अंदर के इसको इसको डिसेबल करना है मेरे ख्याल से, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार फिर मैं करूंगा अवतार चेंज करके जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को करना। अवतार चेंज कर लिया है, अरे ये मारता ही है भाई, मारता ही है पागल कहीं का। ये क्या है, वार्निंग इफ ट्यूरेट्स आर एक्टिव दे विल शूट ऑल ऑर्गेनिक मैटर। ओके आप चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो वो मारेगा, इनको देखते हैं एक बार मारता है कि नहीं। हाँ मुझे टैरेट्स को ऑफ करना है भाई, मुझे टैरेट्स को ऑफ करना है, बिना टैरेट्स को ऑफ किए आप पार ही नहीं कर सकते, मतलब उधर जाना ही नहीं आपको। मैंने बिंदास निकल रहे हैं अपने, अबे क्या गंदी जगह है ये, अबे कहाँ फंस गया मैं, अरे बाप रे निकल तो गया हूँ मैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते कब तक दौड़ूंगा मैं, फिर से दौड़म दौड़ाई चालू है। अरे भाई साहब अबे कहाँ आ गया मैं, ये क्या है ये क्या है, अबे एनिमेशन रुक गया, कोई मार नहीं पा रहा मुझे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, नई ताकत आ रही है मेरी पता नहीं कौन सी, न्यू पावर फाउंड पर है क्या, प्रेस आर टू स्लो टाइम। अबे कोई कुछ नहीं कर पा रहा, मैं भी लॉक हो गया सब कुछ लॉक हो गया भाई, गेम बग मार गया, किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे गेम मतलब ऐसा होगा। ये देखो अबे पूरी तरह से अटक गया ये तो, गेम को इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया है कि वो ये बेचारा सह सके।
कि पीछे से विलन आ रहे हैं और आपने एनर्जी ले लिया, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं शायद। एक तो कोशिश में लगा हुआ है बेचारा पूरी तरह से। और गेम पता है क्या हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा गेम में, कुछ भी नहीं कर रहा, पॉज भी नहीं हो रही। मैं क्लोज कर रहा हूँ, फोर्स क्लोज, फिर से चालू कर रहे हैं हम लोग। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया बेचारी के साथ। द चमेलियन नाम है इसका। जो लोग पूछ रहे हैं क्या करना है क्या करना है, भाई इस गेम में करना ये है कि इस बिल्डिंग से निकलना है आपको यार, बस। अबे न्यू लोड करना, हाँ नहीं तो इज्जत जाएगी भाई मेरी, इतना फिर से नहीं पार हो पाएगा मेरे से। चलो अच्छी बात ये है कि आपको एक एक ही काम करना है, यहाँ से भागम भगाई करनी है बस। अवतार चेंज करो, भागो यहाँ से, फुल स्पीड से भागो, वही एनर्जी ले लो अगर ली नहीं है तो। नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया, ऑसम ऑसम भाई निकाल गए। अब अवतार बदल लो, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा लो, फिर जाते हैं आगे। अरे बाप रे बंदा है, और इलेक्ट्रिक वाला बंदा है, अरे बाप रे एनर्जी बढ़ा ले भाई, एनर्जी बढ़ानी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। खड़े हो जा खड़े हो जा खड़े हो जा, अबे खड़े हो जा, हाँ एनर्जी ले ले वाली जाके, पहले आईडी कार्ड ले ले और एनर्जी ले ले, और स्लो मोशन ट्राई करेंगे हम लोग ताकि नया पावर जो है ना। स्लो मोशन ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर मेरे ख्याल से एक साथ दो पावर ट्राई नहीं कर सकते, तो मैं पहले इसको हटाऊंगा और अब स्लो मोशन देखूंगा कि है क्या। अरे वाह भाई सही में मस्त है। हैस गेमिंग कह रहे गेम तो गया रे बाबा, लेकिन आ गया है भाई, वापस आ गया है, हमारी नई पावर्स मिल चुकी हैं हमें। अब देखो स्लो मोशन का फायदा क्या है, ये देखो इनको पता ही नहीं लगेगा कि मैं इनके यहाँ से निकल गया हूँ। अबे ये क्या कर दिया, अवतार का ही चेंज किया। अबे भाई ये लोग इधर तो नहीं आ रहे, यहाँ कुछ हुआ तो है, उनको दौरा तो पड़ा एक को। भाई ये तो पीछे पड़ गया यार, ये तो नाटक है। पड़ी भाई ले, पड़ गई ना। अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक्चुअली मैं हर चीजों के साथ। अब मुझे ये नहीं मालूम मेरा स्लो मोड है कि नहीं एक्टिव, नहीं स्लो मोड एक्टिव नहीं, आपको जाना पड़ेगा वापस लेने। कोई बात नहीं, वैसे ही जाना है जैसे अभी गए थे, 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फुल स्पीड से दौड़ो और वहाँ लिफ्ट पे जाके थोड़ी देर वेट करेंगे हम लोग। अबे दाव मत करना दाव मत करना, थोड़ी सी एनर्जी बची है। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बस बढ़िया आप हेल्ड कर लो या मैं थोड़ा होल्ड कर लो। मल्टीपल गेम, इस तरह की गेम मल्टीप्लेयर नहीं होते भाई। अरे मैंने बताया तो यार ये छोटे से डेवलपर ने बनाई, अरे यार तेरी। ये सिंगल प्लेयर गेम प्ले भाई, पूरा पूरा सिंगल प्लेयर गेम प्ले। स्टोरी मोड, जो स्टोरी मोड है ना, अभी देखो हम लोग यहाँ पर निकले थे, अब हम लोग लैब से निकले तो चांद पे आके फंस गए। हमें मालूम पड़ा हम तो चांद पर हैं, ये मुझे पहले नहीं मालूम था शायद गेम में। ये क्या है, ये हर जगह लगा हुआ है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रहे उतना अच्छा मेरे लिए। चलो 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 भाई दौड़ो। संभल का, लास्ट टाइम थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी, भारी पड़ गई थी। और एक चीज़ और क्लियर हो गई, स्लो मोड यूज़ मत करो आप। ये स्लो मोड तभी यूज़ करना है जब बहुत सारा कुछ अलग ही सिनारी हो तब, बाकी जनरली अवॉइड करना बेहतर है। अरे आईडी कार्ड तो ले चुके हैं, अरे सब ले चुके हो तुम भाई। ये देखो दोनों पावर भी यूज़ होती हैं एक साथ, सही है, पर खर्च भी वैसे होती है। मुझे लगा मेरे पास है ही नहीं पावर भाई। डिस्क कमेंट सेक्शन में डाली है मैंने पोस्ट, आप देख सकते हो गेम का प्राइस कितना है। कमेंट चेक करो भाई, कमेंट कमेंट कमेंट, अभी अभी डाली एकदम ताज़ा ताज़ा। चलो भाई अपने को पता है कहाँ निकलना है, कितनी दूरी पे निकलना है, एनर्जी वनर्जी बचा के रखो बस, बाकी तो काम हो जाएगा आपका। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा एनर्जी भी बचा हुआ है लेकिन हाथ चलाने लायक नहीं है। यहाँ पर कुछ है तो मैं जाऊँ। अच्छा टरेट है यहाँ पे तो, अरे बाप रे टरेट से तो भाई डर लगता है।
टरेट से नहीं भिड़ना अभी। ये क्या है? लॉन्च बे, लास्ट ट्रांसपोर्ट लीविंग। अरे लास्ट गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी है? अरे अरे भाई ये क्या है? ये कह रहा है कि अच्छा जो स्लो मोशन है, अब समझ में आया कहाँ यूज करना है स्लो मोशन। अरे बाप रे भैया, अब समझ में आया हमका भाई, जो स्लो मोशन है ना, इसको बुलाओ यहाँ पे, आ जाए इधर आ भाई, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, वो खड़े हो जाए यार मेरे भाई। अरे यार करंट मार दिया। वो जो स्लो मोशन है ना, वो जब वो फायर करेगा ना, जो टरेट्स हैं वो जब फायर करेंगे, उनकी गोलियों से बच के निकलना है मेरे को, अब समझा भाई मैं, अब उसका असली यूज़ आया भाई। इसको अभी मैंने यहीं ट्राई करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर दूसरी जगह ट्राई करेंगे, यहाँ कोई बंदा है नहीं इसलिए यहाँ आसान होगा करना। अरे भाई मैच मज़ेदार होगा, डोंट वरी। अभी तो पहले मैं ये यहाँ से निकल लूँ भाई, अब निकल फुल स्पीड से। ये देखो भाई, ये था इसका गेम प्ले असली है। होल्ड कर ले, होल्ड कर ले। अच्छा यहाँ पर है ही नहीं कोई, यहाँ पे कोई है ही नहीं, और आपको यहाँ से कार्ड ले जाना है। मेरे को एक कार्ड मिल गया, मुझे तीन कार्ड और कलेक्ट करने हैं, तब जाके गेम पूरी होगी। अब यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ टरेट होगा, नहीं टरेट तो नहीं है, कुछ और ही सामान है यहाँ पर। संभल कर, गेम का म्यूज़िक ऑसम। अबे लेकिन कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही मशीन खाली है दिखाने के लिए। अब क्या होगा पता है? मैं यूज़ करूँगा अपना वो वाला पावर, ये वाला स्किल। अरे यार टेप पे मत बजा भी। अबे एनर्जी ले ले, बहुत अच्छा। हड़िया 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 अंकल, अबे अंकल हटो, क्या कर रहे हैं? अबे कार्ड कहाँ पर है, कार्ड कहाँ पर है, कार्ड कहाँ पर है? एनर्जी, अरे भाई ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी ताकत है? अबे एनर्जी खत्म हो गई सब। बैटर पंचिंग, अबे बैटर पंचिंग को क्या चाटू क्या मैं? मारना मारना मार ले मेरे भाई। अरे यार गड़बड़ हो गई। अरे यार म्यूजिक देखो कैसे बदल गया, जैसे पुराने जमाने की पिक्चरों में नहीं बदलता। अरे मतलब कार्ड इधर है ही नहीं, बहुत मुश्किल से कार्ड मिलेगा। गेम प्ले बहुत हार्ड है भाई कह रहे हैं सौजन्य। भाई गेम प्ले एक्चुअली इसको हार्ड मैं नहीं कहूँगा, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, बोल भी रहा हूँ मैं, खेल भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा पूरा फोकस, मतलब पूरा फोकस गेम पे नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए भाई थोड़ा टफ लग रहा है। बाकी है नहीं, बाकी इस तरह का गेम ग्राफिक्स तो मज़ेदार कह, अरे यार इस तरह के गेम प्ले तो मज़ेदार होते हैं भाई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे क्रिकेट का गेम प्ले होता है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा गेम प्ले है ये, लेकिन क्रिकेट जैसा गेम प्ले नहीं है कि मैं मतलब एग्जैक्ट मतलब सारे रिस्पॉन्स हो पाएँ। और वो थोड़ा सा इसमें जो बंदा स्ट्रीम कर रहा है उसको गेम पे ज़्यादा फोकस करना होगा, और वो मैं कर नहीं रहा, क्योंकि आप लोग भी कमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिप्लाई मिले वो सब। वो ब्रॉड आउट हो गया कह रहे हैं भाई, वो तो होना ही है यार, देर सवेर उसका काहे टेंशन ले रहे हो आप भाई। पहले इसकी गोली से बचियो, फिर बाद में सोचियो क्या करना है। चल कवर ले लिया। अरे यार दो दो पावर मत यूज़ कर, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए फिर आगे जाऊंगा मैं, आगे से लेफ्ट जाना है पक्का। ये टाइटल में लिखा है भाई, नाम पढ़ लो। अब मुझे ये आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, जो लोग बिना, मैं तो पता नहीं सही में नहीं मालूम पड़ता उन लोगों को कि मजाक करते हैं भाई, बुरा मत मानना, लेकिन यार ये चीज़ ऐसी है ना कि इम्पॉर्टेंट है यार। आप हमेशा कोई भी वीडियो ओपन करो उसका टाइटल देखो आप। फुल स्पीड से दौड़ मेरे भाई। पिछली बार तूने अनलॉक कराया था बैटर पंचिंग, पता नहीं इस बार अनलॉक होगा कि नहीं, इस बार तेरे पास पहले से अनलॉक है, कोई बात नहीं। मिल गया मिल गया, कार्ड मिल गया, ऑसम। अवतार थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, एक रीजन है, मैं पंच से मारने वाला हूँ इसको। अरे ये तो करंट वाला है, अरे बाप रे, इसने मुझे मार दिया, गड़बड़ हो गया, दो तीन पंच मारा भाई खींच खींच के। मेरे को अब ये नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है, गलत यूज किया। कितना गजब एनिमेशन है यार, मतलब पूरा शरीर अंगारे अंगारे से भर गया।
बहुत सही, इस वक्त पे लगाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया भाई। अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, वहाँ पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं, दो गोली तो चला दी। चलो 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 भाई, बढ़िया। एनर्जी फुल होगी तभी निकलेंगे यहाँ से फुल स्पीड के साथ। रेडी स्टेडी गो। कार्ड के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास कार्ड है कि नहीं, तो वो भी थोड़ा डाउट है मेरे को। सबसे पहले वो डाउट क्लियर करना है कि एक बार कार्ड ले लिया तो हर बार कार्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ है कार्ड है आपके पास भाई, तो बिना मतलब आया मैं यहाँ, पता है मुझे अब पूरा भागना है यहाँ से। अरे यार एनर्जी ख़त्म हो रही है मेरी, अरे बाप रे एनर्जी ख़त्म हो रही है। बच गया बच गया बच गया, कोई आ तो नहीं रहा? नहीं नहीं लग तो नहीं रहा है आ रहा है। थोड़ा सा अवतार चेंज करते निकलते हैं यहाँ से। बहुत सही वक्त पे ख़त्म हुआ भाई ये। अरे मार डाला, कोई बात नहीं, अच्छा वो बाहर निकल गए। हमको एक्चुअली राइट साइड जाना है, अब यहाँ पे नहीं जाना। प्रवीण बॉम कह रहे हैं गेम अच्छा है भाई। हाँ जिस तरह का गेम मतलब बनाया गया ना उस हिसाब से बढ़िया गेम। अब मुझे देखो वहाँ जाना है, वो सामने दिख रहा है, बस मुझे वहाँ जाना है। प्रॉब्लम क्या है पता है, बताता हूँ उनको। यहाँ पे जो दो बंदे हैं वो दोनों मुझे मार सकते हैं, तो मुझे पहले उन दोनों को ख़त्म करना होगा, उसके बाद आगे से राइट साइड जाना है। ठीक है बुला रहा हूँ मैं इसको, आ जा मेरे भाई, जरा खड़े हो जाओ भाई, पंच मारने वाले हैं कसके वाला। अरे हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं यार, एक मिनट एक मिनट, एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि अवतार चेंज कर देते हैं उस। ए ये देखो ये देखो ये वो मस्ती आ गई इसको। अब होल्ड कर लो पहले पोजीशन, वो खड़ा है। ये लोग बाहर निकल गए क्या पोजीशन चेंज करके? अच्छा ऊपर वाला नीचे आया है, ठीक है कोई बात नहीं। ये तो दोनों नीचे आ गए, आराम से अवतार चेंज करेंगे फिर किक मारेंगे इसको कसके वाली। पहले बुलाऊंगा मैं इसको, आ जा हाँ इधर आ जा आ जा आ जा, खड़े हो जा खड़े हो जा खड़े हो मेरे भाई, इधर आ। ठीक है पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा, अवतार चेंज कर। ए ये कहाँ से आ गया? अबे ये सब ऑफ टॉपिक आते हैं यार, मतलब आप चैप्टर 4 की तैयारी करके गए हो, चैप्टर 5 आ गया एग्ज़ाम में। मैं तो यही कहूँगा यार, वो देखो आँख सेक रहा है, गजब गजब नमूने भरे हैं भाई। वहाँ उसको ऊपर जाना है एक्चुअली, पर उसको मस्ती चढ़ेगी, वो नीचे आ जाता है पागल जैसा। एक को तो मार दिया, एक को और मारना है। फायर होगा क्या ये? फायर में इसको भी ले ले मज़ा आ जाए। उस पर नहीं फायर कर रहा, मेरे पे ही खाली फायर करेगा, बोलो ऐसी गेम है। बुला भाई इसको बुला, आ जा आ जा आ जा, और कोई ना आ जाए। हाँ पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा, अब स्लो। ए ये कहाँ से आया यार? ओ मारा इसको भी मारा, पता नहीं मारा कि क्या क्या, लेकिन गायब हो गया है। मार दिया मार दिया मार दिया, दो को मारा है भाई। अरे एक और आ रहा है, अरे यार ये तो चीटिंग है। कोई नहीं अभी रुको इसको आन दो। कभी कभी तो लगता है अपुनिज भगवान है। अभिषेक कह रहे हैं उनको स्टील्स गेम बहुत पसंद है। अरे भाई बहुत दिमाग की दही हो जाती है। अभी रुको अभी मेरे को यहाँ से स्लो मोशन यूज़ करना है, और ये जो मारे ये मशीन लगी ना नीली वाली, वो एक्चुअली गोलीबारी करने लगती है। चलो भाई करते हैं ट्राई। किया फायर किया, एक और तो नहीं है भाई, कुछ भरोसा नहीं इस गेम का। अच्छा इधर नहीं मारता, क्रॉस में बंदा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं है, रूप बदलेंगे हम लोग। अरे तो इधर ही आ रहा है, कोई नहीं आ जा कोई इश्यू नहीं। ये कोई और भी आवाज़ आ रही है, दो तीन फुटस्टेप आ रहे हैं, एक से ज़्यादा बंदे हैं क्या? वो देखो कवच को कहाँ रखा है, इसको ले नहीं सकते आप। अरे बाप रे ये तो पूरी जगह पे कोई है ही नहीं, मतलब बंदे ही बंदे। भाई कार्ड ले ले, तो कार्ड ले ले फिर जो करना हो करना। अरे ये क्या हालत है, ये तो कुछ अलग ही मस्त कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे भाई, कितना। अरे ओ क्या सही वक्त पे मेरी एनर्जी गई है। ये देखो ये एक्चुअली, अरे यार बहुत अच्छा, टुकड़े टुकड़े भाई। एक चीज देखी आपने,
वो देखो आया, एक और आया, आ जा 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 आ जा, हाँ हाँ हाँ, अंदर 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 अंदर, और अंदर थोड़ा और, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, और है कोई भाई? ये मेरा मुंह देखो कैसा है गेम में, मूंछ छोटी सी है, वो भी प्रॉपर कटिंग नहीं है। ये एक्चुअली रोबोट नहीं है मेरे ख्याल से, इंसान है क्या ये? देखो ये कुछ रहस्य खुल रहे हैं। ए यार ये तो बिजली वाला है, ये तो बिजली वाला है। सॉरी भाई मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था मैं, कोई नहीं कर सकता था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी शायद भागता, अधिक से अधिक भाग के भी ज़्यादा देर नहीं भाग पाता मतलब। अब फिर वही करना है हमको, स्लो मोशन ट्राई करना है और वो जो आग ये जो उगलता है ना उससे बचना है, सबसे पहला टास्क वो है। ये तो हिल रहा है आगे आगे वाला तो। अबे जिंदा है क्या? भरोसा नहीं कुछ। ए पीछे जा पीछे जा पीछे जा, इसको मार नहीं सकते, ये बहुत बड़ी कमजोरी है यार। कुछ होना चाहिए था, ऐसे लकड़ी वकड़ी होती, लकड़ी वकड़ी से ही मारता, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए था। बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा। ए स्लो मोशन, अरे यार सब बिजली वाले हैं यार, सब बिजली वाले हैं, प्रॉब्लम ही है। और कार्ड पता नहीं कहाँ पर है, कार्ड नहीं दिख रहा मुझे। मरूंगा मैं, बच गया, पता नहीं कैसे बच गया बस समझो। ए हाँ यहाँ कुछ है, ही स्पीड पता नहीं क्या है, ही स्पीड पता नहीं क्या लिखा हुआ, द स्पीड पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, पूरा नहीं दिख रहा। यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आगे से जो रास्ता है ना भाई, आगे से लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड गली है। तो क्या एनिमेशंस बनाए भाई, वो देखो आप, ये बिजली वाला है, कोई बात नहीं। आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, हाँ बस 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 बस, प्लीज कार्ड मिल जा भाई, कार्ड कहाँ पर है? कार्ड मिल जा फिर जो होना हो चलेगा भाई, उसका कोई इशू नहीं है। एनर्जी बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ा दो। ये तो बाहर निकल रहे हैं यार हम लोग, ये तो बाहर आ रहे। उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, सही है बॉस। अरे आगे से रास्ता था, एक कहाँ चला गया? अच्छा यहाँ पे रास्ता है। अबे ये तो वही रास्ता है, आया तो गया मैं। अरे यार इसकी, ए ये देखो पीछे तो नहीं आ रहा, नहीं पीछे नहीं आ रहा, अच्छी बात है। ए मिल गया मिल गया। ए ओ माय गॉड, ये देख रहे हो? अरे ये कौन सा रहस्य खुल रहा है? मेरे दो भाई हैं भाई, ये क्या है? असली गेम की स्टोरी तो अब आ रही है, ये कह रहे हैं कि मेरे दो भाई हैं। ट्रू फॉर्म फाउंड, अरे मैं इंसान नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं चमेलियन हूं भाई। ये क्या क्या टर्न आया है गेम में, मैं अभी क्या कर सकता हूँ मुझे नहीं मालूम, पर अभी देखना होगा। एनर्जी, अरे एनर्जी फुल हो गई मेरी, पता नहीं मैं लड़ सकता हूँ कि नहीं, मैं देख रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। अरे सब क्यों मारूंगा मैं, अबे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। कभी कभी तो अपन को भगवान का फील होता है, ये पूरा भगवान वाला फील है भाई, क्या गेम पलटा है भाई। तेरी तो मुझे डरा रहा था ना, मैं तेरे से छिप छिप के जा रहा था, देख भाई मैं अपने असली अवतार में आ गया हूँ, अपने रुद्रा अवतार में आ गया हूँ मैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला मेरे को, चाहे अब मैं माथा फोड़ अपने खोपड़ियां फोड़ जो करना है कर। मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ, मैं अर्थ पे जा रहा हूँ शायद। अरे भाई सबकी लग गई। आ जाओ आ जाओ। भाई का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा ये चमेलियन। अरे लगी चोट, लगी भाई चोट लगती है,
थ्री आईडी कार्ड भाई मेरे पास, थ्री आईडी कार्ड्स हैं, जल्दी मेरे को खोलो। अरे यार स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, हट, गेम बदल गया पूरा का पूरा। क्या चमेलियन बच पाएगा? क्या चमेलियन हमेशा के लिए चमेलियन बन गया? अर्थ पे जा रहे हैं, पृथ्वी पे क्या हालत होगी? अरे अरे determined that you must cease all experiments related to the chameleon project. We fear that if one of your subjects made its way to earth, it could have ये क्या था? गेम खत्म? Mankind. सही में खत्म? भाई ये क्या था, मजाक था क्या? Thanks for playing guard punched. अरे इसीलिए इस गेम को माइनस मतलब मिक्स रिस्पांस दिया है। अबे इतनी छोटी गेम कौन बनाता है जो मैं मेरे जैसा प्लेयर मतलब एक बार में पार कर गया। अबे सही में इतनी छोटी? भाई यकीन नहीं हो रहा मेरे को। हमने गेम कंप्लीट कर ली, गेम बहुत ऑसम वक्त पे खत्म किया है। मेरे ख्याल से इसके बाद है ना, इसके बाद जब आएगा ना इसका बाद का जो वर्जन आएगा मेरे ख्याल से वो ऐसा होगा कुछ। मैं नया पोल डाल रहा हूँ भाई, आज कौन सी गेम खेलनी है हमारी। एक तरफ होगी यहाँ पर FF, फ्री फायर, मेरे ख्याल से फ्री फायर ही खेलना बेहतर है। BGMI में मज़ा नहीं आएगी शायद, मतलब मज़ा तो आएगी भाई, दोनों में मिशन पूरे करना है मेरे को। मैं तो फंस गया हूँ बुरी तरह से, मेरे को लेना ही नहीं था वो। पर यकीन नहीं हो रहा, रुक भाई मेरा कुछ गड़बड़ की है क्या? मैंने लगता है बीटा वर्जन तो नहीं ऑन कर दिया मैंने, हो सकता है भाई मैंने बीटा वर्जन रखा हो इसलिए इतनी छोटी गेम हो। पर बहुत छोटी है यार, बहुत ज़्यादा छोटी। पर एक बात है, मुझे गर्व है कि मैंने ये गेम पार की। नहीं भाई ये ऑफिशियल है, फुल वर्जन है, कोई बीटा बीटा नहीं है यहाँ पे। चलो भाई एक जीबी की गेम थी ख़त्म भाई। यहाँ पर हमारा जो एक जीबी का गेम था, मेरा एक जीबी खाली है, सिर्फ एक जीबी का गेम है भाई। डेफिनेटली बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है यार, मुझे नहीं मालूम था ये गेम एक घंटे का होगा। अगर आप इसकी प्राइस पूछते हो ना, मैं बता देता हूँ आपकी प्राइस जो लोग जानना चाहते हैं। मैं एक्चुअली पोल चल रहा है, पोल का वेट कर रहा हूँ। 349 rupees का है, बीच में जब सेल था तो 314 का था, पर मेरे ख्याल से यार 314 एक घंटे की गेम का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। थोड़ा और इससे डबल गेम प्ले होता तो 314 वसूल से भाई। देखो क्या होता है भाई, किसको वोट मिलता है। मैंने एक्चुअली BGMI बैकग्राउंड में खोल दिया क्योंकि मुझे लग ही रहा है कि BGMI को ही वोट मिलने वाला है। तो चलिए गेम कैप्चर ऑफ हो रहा है, बैकग्राउंड में से विंडो कैप्चर में से हम लोग करेंगे हमारा BGMI। बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ यार मैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये गेम इतना छोटा था और एंड बहुत बहुत अजीब वक्त पे किया है। चलो भाई मैं इसको क्लोज कर दूँ, बैकग्राउंड में क्विट कर दूँ, अनइंस्टॉल भी कर दूँ। अब इसका टाटा बाय बाय हो गया, इसका रिव्यू मैं बाद में डाल दूँगा। पर वही है कि 349 rupees यार या 314 rupees मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए थोड़े। आपकी क्या सोच है यार, वापस खेलना ही से? हाँ हाँ भाई, अभी यहाँ पे भाई बहुत सारी गेम्स ऑलरेडी पड़ी हैं जो आप लोगों को दिखानी है। एक गेम जो खेल ली सेकंड टाइम तो बहुत कम चांस है। अभी ये दो तीन गेमें मैं खेल लूँ ना भाई, सॉन्ग ऑफ फार का खेल लूँ, फिर हम लोग वापस रिपीट करेंगे अच्छी गेम जिसको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। यहाँ पर 208 का टारगेट हो सकता है भाई, 208 का टारगेट हो सकता है, पर सब्र से खेलना होगा भाई, वो पगलाबंदी करेंगे तो नहीं हो पाएगा फिर, सीधी सी बात है। अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे। भाई मैं टीम कोड डाल रहा हूँ और रुको मैं मिशन देख लूँ मेरे क्या। एक तो वो वाला मिशन है इग्निशन, चलो कोई नहीं वैसे बिंदास खेलते हैं मिशन इग्निशन, ऐसा भी होने वाला है नहीं। एक फ्रेंड में से ऐड करेंगे, बाकी सब भाई मतलब वो रहेंगे रैंडम बंदे। कहाँ गया यार क्रिएट टीम? चलो भाई टीम डाल दी गई। और मुझे एक और चीज़ बताओ यार, मेरा गेम प्ले में ये इतना हल्का फुल्का क्यों आता है? मैंने भाई ग्राफिक्स फुल रखे हैं, ये इतना हल्का क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे पिक्सलेटेड हो ग्राफिक्स, ये बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को। मैंने सब सेटिंग्स भी करके देखी पर नहीं हो रहा है। देखो सेटिंग्स में गया मैंने, ग्राफिक्स भी अच्छे रखे हैं, HD रखा है। अगर मान लो बैलेंस रखता हूँ तो क्या होता है?
क्योंकि बैलेंस में बेहतर लग रही है। कहाँ गया भाई ग्राफिक्स? लॉबी है ना। अच्छा लॉबी में मैंने स्मूथ रखा है, HDR रखूँ तो क्या होगा? नहीं यार वो एक 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 लेयर, एक टेक्सचर होता है ना, वो फील नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों वो फील नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये अजीब सा है यार, नहीं मुझे जो उम्मीद में कर रहा हूँ वो उम्मीद नहीं, उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहा, अजीब सा फीलिंग दे रहा है ये, कुछ अलग ही लेवल का। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन अगर आप मोबाइल में खेलते हो गए तो आपको पता लगता होगा इसमें क्या है। यहाँ पे HDR रखने को कह रहे हैं, रुको भाई HDR रखता हूँ मैं ग्राफिक्स में। भाई HDR में भी वो फील नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या इशू है। रुको गेम में भी ठीक है, HDR ही है यार, ये HDR ही है। मोबाइल में जब खेलते हैं अलग ही फील आता है, एक अलग ही टेक्स्चर आता है, वो टेक्स्चर मिसिंग है यार इस गेम में से। अनडाउटली ये सब यूनिफॉर्म्स हैं जो बहुत बेहतरीन यूनिफॉर्म्स हैं, ये वाले तो जबरदस्त। ये तो इसका कपड़ा ही है, इसका सूट करता है। देखो कितना औसम कपड़ा है ये वाला, देखो पर बहुत ज़्यादा, देखो ये कितना, ये देखो इसका टेक्सचर कैसा आ रहा है। हाँ एक चीज़ और है भाई, रुको डाउनलोड में ना एक ऑप्शन आता है HD टेक्सचर डाउनलोड करने का, शायद वो मिसिंग है मेरा। रुको रुको रुको, एक्साइटमेंट अल्ट्रा HD साउंड्स हैं, एक मिनट। एक्साइटमेंट रिसोर्स पैक कह रहा है, वॉइस पैक कह रहा है। भाई टीम कोड पे कोई ऐड क्यों नहीं हो रहा, मेरे को ये नहीं मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। अबे डाउनलोड हो, एक एक ऑप्शन आता है HD टेक्सचर वाला, वो पता नहीं क्या इफेक्ट सेटिंग कह रहा है, अदर डाउनलोड्स। एक्साइटमेंट रिसोर्स तो डाउनलोड हो रहा है, मैप की बात करते हो अगर तो सेपरेट रिसोर्स, वॉइस पैक ये तो बेकार है। HD आइकन तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ भाई, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? अरे कलरफुल भी करके रखा है भाई, अभी देखो ये डाउनलोड ही हो रहा है ना, अभी देखना है लॉबी में कलरफुल कर रहा हूँ मैं, कलरफुल ठीक है कलरफुल कर रहा हूँ। कॉम्बैट भी कलरफुल, कॉम्बैट तो कलरफुल ही है ऑलरेडी। ये देखो कैसा लग रहा है यार टेक्स्चर, इससे ज़्यादा कलरफुल तो वो आती है क्या नाम, फ्री फायर आता है इससे ज़्यादा कलरफुल। और मेरे पास तो कपड़े भी इतने औसम है यार, मेरे को तो और औसम लगना चाहिए। ये देखो ये इसका सेट है पूरा का पूरा, पता नहीं क्या गड़बड़ है, मुझे भी नहीं पता लग रही। कोई नहीं आया तो भाई फिर मैं स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे सोलो वाला ही। एक्चुअली सोलो में एक चीज़ ये होगी कि आपको गेम प्ले औसम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बिंदास खेलूँगा टेंशन बिना। ऑटो एडजस्ट ग्राफिक कर देता हूँ एक मिनट, ये बेस्ट रहेगा शायद। टेक्स्चर का इशू है एक्चुअली, ग्राफिक्स का इशू नहीं है। चलो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली कोई आ ही नहीं रहा बंदा, तो मैं अकेले ही निकला हूँ सफ़र पे। मिशन इग्निशन और देखो क्या होता है, पर ये ग्राफिक्स वाला प्रॉब्लम तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। इतना वक्त था भाई, ज्वाइन ही नहीं हुआ कोई, मैं खुद सरप्राइज हूँ क्यों नहीं ज्वाइन हुए सब लोग। कोई नहीं, सबका बदला लेगा अपुन। 50 मिलियन डाउनलोड पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। सोलो TDM खेल लो भाई। तो आप लोगों ने वोट क्यों दिया जवाब भाई आप लोगों ने? ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है। ये देखो कपड़ा कितना औसम लग रहा है। स्कूल नहीं, हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पर ये ऑरेंज कलर का निशान होगा, टैक्स सेंटर। प्राइमोस भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मर जाएंगे हम लोग। बेहतर है कि हम लोग ये कहाँ गया, टैक्स सेंटर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा है मुझे फॉलो किया है सबने, टेंशन ही नहीं। हैट्रिक बिलवाल कह रहे, अरे हाँ भाई इंडिया जीत सकता है, लेकिन वही है कि शुरू के कल के दिन मैच में या आज का दिन कुछ बाकी है कि नहीं? आज का दिन समाप्त हो गया, शुरू के 20 ओवर संभालने होंगे भाई, 20 क्या पूरे ही संभालने होंगे, क्योंकि विकेट गिरने लगते हैं इंडिया के तो धड़ाधड़ गिरते हैं। पर हाँ इंग्लैंड अच्छा खेला, उम्मीद से अच्छा खेला, जितना सोचा था ना इंग्लैंड उससे अच्छा खेला। यहाँ पे सिंचान वाला कार्टून है ये। हार्दिक कह रहे हैं, एस गेमिंग कह रहे हैं वेट करने को। भाई अब क्या, प्लेन में चढ़ गया मैं, जंप करने जा रहा हूँ मैं, ऑटो जंप। हाँ ऑटो जंप भी बेस्ट है मेरे ख्याल से। टैप टू मार्क,
एफ टू मार्क तो कर दिया मैंने भाई, यहाँ मुझे टैग पे पहुँचा दे ऑटो जंप पे। इंटरेस्टिंग होगा देखना कैसे कुदाता है ये। टुडे 24 ओवर बाकी है। अरे भाई तब तो आज का दिन ख़त्म है, यहाँ पे सब अलग अलग बोल रहे हैं, रहने दो भाई। कोई कह रहा है 24 ओवर बाकी है, तीन कमेंट आए तीनों अलग। लव कह रहे हैं 24, टैग गेमिंग कह रहे हैं कि आज का दिन समाप्त है, टॉप सेवन कह रहे हैं कि 10 ओवर बाकी है। मैं बताता हूँ भाई आप लोगों को, रुको आप लोग यार मैं देख के नहीं बता पा रहे, बोलो मैं आपको बिना मतलब मैं लाइव तो नहीं देख पा रहा लेकिन आपको बता देता हूँ। सेशन 3 चल रहा है भाई, अभी बाकी है, दिन समाप्त तो नहीं हुआ ये पक्का। कितने ओवर हुए हैं अभी, तो मैच चालू ही है भाई, मैच चल तो रहा है, रियल मैच चल रहा है अभी। कहाँ से खत गए, ख़त्म हो गया ये, ख़त्म वाला कौन है बताता हूँ। टैग गेमिंग भाई कहाँ, अरे मैं कूदा नहीं, अरे अबे ये कहाँ मार्क हो गया मेरा, अरे रे जाना कहाँ था, अबे कब मार्क कहाँ हो रहा है मेरा, मार्क मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, अबे कहाँ मार्क हो जा रहा है, एक मिनट एम दबा दे भाई, आया एम दबा के कर, वो गई गलत क्लिक हो गया था भाई। अरे आज ही पता लग जाएगा भाई क्या ये कहाँ मार्क कर रहा है गेम। हाँ सीधा जंप कर, मैं ये दबा रहा हूँ बटन एम तो ये कहीं और मार्क कर दे रहा है, पता नहीं कहाँ, मजबूरी में मुझे ये करना पड़ रहा है कि यहाँ गिरना पड़ रहा है मैं जाऊँ। अरे हमारी तरफ ही मैप है पूरा, कैंसिल कर दे भाई ऑटो जंप, ये फ्रॉड है भाई ऑटो जंप। चलो कम से कम एक घर तो है, गुस्साए गजब होंगे ये लोग मेरे पे, जो तो तीन लोग मेरे भरोसे थे, दो लोग गजब गुस्साए होंगे, फ़ायदा नहीं है कुछ वो तो मुझे भी मालूम है लेकिन गुस्साए तो होंगे। ये कहाँ कुदा दिया, इस कौन पागल है भाई है। अब लूट मिले जल्दी तो फिर मैं अटैक करूँ भाई इन लोगों के ऊपर, बाकी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सब। अबे मेरा ये कैसा लूट किया कि बंदे ने, अच्छा हाँ लेवल 1 का वो उठा लिया था इसलिए। हाँ OBS मिली, OBS ही नाम है ना इसका, अच्छा शॉटगन है ये, ऑसम। चलो अच्छा है, किस्मत अपनी है कि ये वाला कम से कम मिशन हो रहा है, इंजेक्शन वाला। इंडिया को 120 में भाई, ओवर का टेंशन नहीं है, विकेट का टेंशन है। इंडिया अगर खेलेगा ना, विकेट नहीं खोएगा तो जीत जाएगा, ओवर का टेंशन मत करो। ओवर बताए इससे 120 ओवर कह रहे हो ना, अगर 40 ओवर कम भी होती ना, 80 ओवर भी होती आठ तो भी इंडिया कर लेता, वो टेंशन नहीं है, बस विकेट ना खोए वो टेंशन है। इंडिया का विकेट बचा है तो सब हो जाएगा, विकेट नहीं बचा है तो फिर सत्यानाश। चलो भाई मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, हमारा जो मिशन बाकी था ये वाला, कल 7 बार जंप करना था वो हम करेंगे। अंतिम वाला जब जंप होगा ना तो मैं क्या करूँगा पता है, अभी तो मैं सीधा ऊपर ही कूद रहा हूँ। अरे वाह, उसके बाद मैं ऐसा जंप करूँगा कि मैं सीधा मिलिट्री जोन पहुँचूँगा, कोशिश करूँगा कि ऐसा जंप करूँ कि मिलिट्री जंप पहुँचूँ। बस ये चीज़ मुझे ख़राब लगी इस गेम में कि ये मेरा ब्लू वाला यूज़ क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा। अच्छा ये पेंट का ऑप्शन आ तो रहा है पर ये तो अलग पेंट है, कितना ऑसम लग रहा है देखो, एकदम लग रहा है सही में सुपर हीरो है कोई, और उसकी एंट्री पड़ी इस मैदान में, बेचारा पिस्टल लेके खेल रहा है सुपर हीरो। अलग ही नशे हैं सुपर हीरो के भी। पानी में ना फेंक देना भाई, पानी की तरफ मुंह है मेरा। शैडो ग्राफिक्स मत रखो भाई, ये क्या कह रहे हो, कौन शैडो ग्राफिक्स, ये क्या है, ये वर्ड ही पहली बार सुन रहा हूँ पबजी में, कोई वर्ड ही नहीं है शैडो ग्राफिक करके। दो बंदे ऑफलाइन मर गए क्या, अच्छा हाँ कहानी ख़त्म दो की, दो का गेम ओवर। अरे कह रहे हैं विराट का आउट ऑफ फॉर्म है भाई, विराट को मान लो, चलो विराट कुछ नहीं करते पर बाकी 9 प्लेयर तो हैं, टारगेट 200 का है भाई, विराट के भरोसे क्यों खेल रहे हो आप। ये एक्चुअली टारगेट इतना है अच्छा कि चैलेंजिंग तो होगा ये तो पक्का, चैलेंजिंग तो बहुत ज़ोरदार होगा ये मुझे पक्का लग रहा है। अभी आज ही पता लग जाएगा भाई कितने चांस हैं इंडिया के, अभी आज का दिन पूरा होने से पहले ही, उसकी चिंता मत करो आप लोग।
ये जो अभी हमने इससे पहले जो गेम खेली थी ना, अरे हाँ, अरे यार ये तो सब कलर के धुएं निकल रहे हैं हाथ से, पक्का मेरे सारा यूज कर ले रहा है ये पागल गेम। देखो भाई विराट अच्छा खेलेंगे भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इंडिया के जीतेगी, लेकिन एक कमेंट आया है, वो कमेंट में कह रहे हैं कि विराट मतलब नहीं कर पाएंगे सम, पर मैं कह रहा हूँ विराट से उम्मीद ही मत रखो ना आप, मैं तो इंडिया से उम्मीद रख रहा हूँ, उसमें विराट भी आ ही जा रहे हैं, पर इंडिविजुअली उम्मीद नहीं रख रहा मैं कि सिर्फ विराट से ही उम्मीद है, एक बंदे से रखने में गड़बड़ हो जाती है भाई। एनिमेशन कुछ खा, ये एनिमेशन मस्त है, बाकी गिरने का भी है तो ऑसम ही, लेकिन ठीक है भाई सीधे गिरियो नहीं तो फिर भटक जाऊंगा मैं रास्ता। भानुषी राणा कह रहे हैं कि कोहली पक्का 2-3 सेंचुरी लगाएंगे भाई, तब तो बढ़िया जाएगा टूर्नामेंट, मतलब 3 सेंचुरी अगर कोई लगाता है 4 टेस्ट मैच में जब एक इनिंग पे 0 पे आउट हुआ है, मतलब कि टूर्नामेंट उसके लिए ऑसम रहेगा, 7 इनिंग में से 3 सेंचुरी या 4-3 सेंचुरी ले लो आप कह रहे हो, अच्छा है यार 3 सेंचुरी है तो उसमें से एक आध बड़ी भी होगी, 150, 160, 170 सुधर जाएगा एवरेज। सत्तर के अंदर 3 विकेट गिर जाएंगे तो मज़े का मैच होएगा भाई, मज़े का मैच नहीं चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए, पहला मैच है ना इसलिए, दूसरे मैच में मज़े लेंगे हम, पहला मैच में लीड ले लें फिर टेंशन नहीं कोई, ये मैच तो जीतना चाहिए, और डोंट वरी वो टफ ही होने वाला है, अगर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सरप्राइज नहीं किया तो ही बड़ी बात है। पर एक चीज़ नोटिस करो आप, पहली इनिंग में इंडिया का टेल एंडर अच्छा खेले थे तो वो थोड़ी राहत की बात है, और ये बात तो पहले ही मैंने कही कि जब इंडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं तब इंडिया अच्छा खेलता है। कितनी बार जंप हो गया बात बात में पता ही लगा, 5 बार तो हो ही गया, 2 बार और कर रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसा जंप करेंगे कि भाई यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाएगा, हम लोग सीधा पहुँचेंगे कहाँ पे, अरे लगता है वो वाला बग आया दौड़ने वाला, नहीं 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 बच गए दौड़ने वाला बग बहुत खराब है भाई। लव कुमार पूछ रहे हैं क्या कर रहा हूँ भाई, मिशन इग्निशन कर रहा हूँ मैं, एक बार और कर लें दो फिर हम बढ़ते हैं बंदों की तरफ, लव कुमार को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या आ रहा हूँ यहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ मैं। अच्छा बाजू में भी एक घर है लेकिन वो उस घर पे नहीं जाएंगे हम, मैप ओपन करूँगा और उस हिसाब से जंप करूँगा कि मुंह हमारा इस तरफ रहे, किस तरफ, इस तरफ नहीं, इस तरफ, मैप दिखा, ये थोड़ा और ठीक है, और थोड़ा बढ़िया, पहली बार मैं इसका सही यूज़ कर रहा हूँ, जो इसका सही असली यूज़ है वो कर रहा हूँ, अब देखते हैं कितना सही रहता है ये, 180 पे जा रहा हूँ, 180, अच्छा 184 ही होता है, इतना ही होता है, ठीक है कोई नहीं, चलो भाई अब सही यूज़ है, अब पता लगेगा ये कितना काम का है ये हिस्सा। अरे मिलिट्री जोन ऐसा लगता है भाई, बहुत अजीब लग रहा है, कुछ बदल गया लग रहा है, अबे मिलिट्री जोन है क्या लग, अच्छा मैं वहाँ जा रहा हूँ भाई, मिलिट्री जोन थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं तो नोवो जा रहा हूँ, ओके भाई मुझे लगा ये ऐसा कैसे हो गया और गलत दिशा चला गया मैं, मेरे को जाना मिलिट्री था, मैं गलती से नोवो आ गया, और मेरे हाथ से इतना बड़ा धुआं नहीं कर रहा है कि अगर स्क्वाड होगी तो पक्का आएगी पूरी पीछे पीछे। ये क्या लिखा है, अरे यार फिर बग आया बोला, क्या नाटक है, सेटिंग्स में जाओ भाई, अब उम्मीद करता हूँ हट जाएगा, अरे पागल आदमी ये गेम बनाई है डेवलपर ने, ये एम्युलेटर बनाया कि बग बनाया, बग्यूलेटर गन मिल जा ऐसा, ए इसमें भी अच्छा ASM, ये ASM तो उसके जैसी लग रही है, क्या नाम है उसका,
अभी असली बंदा है कि बोट है भाई, एक गोली मार के चुप हो गया। असली ना हो, डाउट हो रहा है मेरे को। अबे ये ASM नहीं है, ये तो A94 है। ये ASM नहीं है, ये A94 नहीं है, गन वो वाली गन है भाई। अबे आवाजें कैसी कैसी आ रही हैं, डरावनी, डर लगता है। अब बंदे मिले तो मजा आएगी। अब बस अब हो गया, अब यहाँ पे मैं टैब दबा के सब फेंक दूँ बकवास। 5.56 अभी भरोसा नहीं आ सकती काम। शॉटगन भी फेंक ही देंगे, मैं UMP उठाऊंगा अगर UMP मिली, या M4 उठाऊंगा। लगाओ भाई, लगाओ लगाओ लगाओ। और भाई मैं चाहूंगा जो लोग इसमें देख रहे हैं ना भाई, अगर आप फ्री फायर खेलते हो ना तो आप वो कर दो, क्या कहते हैं, बंदा आया, बोट आया, बंदा है कि बोट है, वो बंदा लग रहा है। नहीं नहीं बोट है, बोट है, बोट है। 6x देके गया यार, इसका मतलब क्या है पता है, कि मैं वो उठा लूँ, मिनी उठा लूँ, मिनी उठाने जा रहा हूँ। सिक्स एक्स से टाइट टप टप करेंगे, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप। अब तो बेकार हो गई, 7.62 किसी काम की नहीं। अब वो डाल दो एनर्जी, डाल दो एनर्जी, यूज़ कर लो, ये भी मिशन का हिस्सा है। और मैं काफ़ी सरप्राइज हुए देख के कि यहाँ पे कोई गिरा नहीं है, मतलब अभी तक तो स्क्वाड अटैक कर देती। लेकिन हाँ ये बात भी कि आपका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, आपका लेवल लो होगा ना तो फिर बंदे भी नहीं आएंगे, मतलब बोट्स आएंगे, जैसे बोट्स आए। और मेरा लेवल लो ही है। एक आध तगड़ा बंदा भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा स्ट्रीम में। स्टार्ट गुड है इंडिया के पास भाई, इंडिया एक्सपीरियंस हो चुका है। ऊपर से एक बात और बताऊं, नीरज शर्मा ने गोल्ड मेडल लिया ना, उससे भी भाई सबके हौसले बहुत बुलंद होंगे, पता है, गारंटी। मेरे ख्याल से हो भी सकता है कि अगर जीत जाएगी इंडिया तो हो सकता है डेडिकेट करें ओलंपिक्स को, सारे ओलंपियंस को, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी बात याद रखना ये वाली जो मैं कह रहा हूँ, इंडिया अगर जीतती है ना मैच तो मेरे को लगता है कोहली मेंशन करेंगे कि ये जीत हम लोग उन सारे ओलंपियंस को मतलब डेडिकेट कर रहे हैं, यहाँ जो भी उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया, इंस्पायर किया परफॉर्मेंस से। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो किया है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो उससे भी सारे स्पोर्ट्समैन जितने भी खेल रहे होंगे ना इंडिया के, सबके हौसले ज़बरदस्त हाई होंगे। कहने को कोई बंदा नहीं मिल रहा यार, बंदे ही नहीं है। बुलाता हूँ रुको किसी को जबरदस्ती। कोई नहीं आया। ब्रिज कैम भी कर सकते हैं लेकिन ब्रिज कैम मुझे लगता नहीं है सफल होगा कुछ। देखो ये थोड़ा सा लैग भी होता है गेम कंपैरिजन टू फ्री फायर। मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, इसके ग्राफिक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। ये चमक तो रहा है ग्राफिक, लेकिन ग्राफिक में वो फील नहीं आ रहा जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। M4 ही ले लो, अरे ये UMP ले लो, एक रीज़न है UMP लेने का। M4 6x लगा दो, ये फेंक दो बाकी का सब, 4x फेंक दो, ग्राफिक्स फेंक दो, कंपेंसेटर यार फेंक दो, है मेरे पास लगा हुआ है इसलिए टेंशन नहीं। 7.62 भी फेंक दो, शॉटगन फेंक दो, पिस्टल फेंक दो, सब फेंक दो, 3x लगा दो यहाँ पे, अब आएगा मजा बड़ू। बस एक वो मिल जाए, क्या कहते हैं, हाँ एक्सटेंडेड मिल जाए, एक्सटेंडेड मैक। रात को BGMI का सर्वर डाउन होता है, भाई कहाँ पे रहते हो आप, BGMI का कोई सर्वर डाउन नहीं होता भाई, मक्खन की तरह चलता है हर बार। रात को तो और पब्लिक आती है, बल्कि या तो ऐसा बोलो सर्वर हाई होता है, बोर्ड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं भाई लो लेवल हूँ, उससे BGMI का कोई मतलब ही नहीं।
बीजीएमआई तो मोबाइल में भाई अच्छा खासा है, पब्लिक खेलता है, तो ये वर्ड ये चीज़ गलत है थोड़ी कि सर्वर डाउन हो जाता है। या पिंग कितना आ रहा है पता है मेरा? 20 MS आ रहा है भाई, 20 जो कि इनफ है। मोबाइल में 55 आता है मेरा एवरेज में। मॉर्टर वर्सेस समगीत, भाई समगीत जीतेगा। ये है कौन समगीत? लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ नाम समगीत। ये मोटर बाइक की आवाज़ आ रही है? अरे ट्रेन है पागल वाली, बेवकूफ़ जैसी, गजब डराती है। इसके नीचे आ जाओगे तो मर जाओगे क्या? ट्रेन के नीचे कभी आया नहीं मैं। अबे डैमेज कैसे हुआ मेरा? मतलब रिप्लेस कर रहा है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लॉजिक से। अरे 180 बुलेट किसी काम की नहीं, और ज़्यादा ले ले, बहुत कम ही है ये UMP के साथ। गाड़ी मिल जाए तो बस थोड़ा रहा तो। लिविक मैप भी मेरे, यार ये बच गया, फिर बच गया, ये मुझे पक्का नॉकआउट करेगी देखना। हाँ हाँ पहला नंबर का बंदा ऑफलाइन है, उसको भी कोई मारने नहीं आ रहा, यहाँ तक कि बोट भी मारने नहीं आ रहे उसको। सही है लाइफ हो तो ऐसी, मतलब ऑफलाइन हो फिर भी छा गए हो, सही जा रहे हो। गाड़ी मिल जाती तो वो करते हैं हम लोग, ऐसे तो अभी भी करेंगे ही। मैं ब्रिज कैंप करने जा रहा हूँ। ब्रिज कैंप क्या, 16 लोग बचे हैं, 14 लोग बचे हैं, 16 भी नहीं। जब तक पहुँचूँगा तब तक दो और कम हो जाएंगे, 2-3। M4 क्यों यूज़ नहीं करते? M4 मिली कहाँ यार, मिली भी तो नहीं। अरे ग्रीन ग्रीन लाइन क्यों आ रही है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये देखो मैप में ये ग्रीन, अच्छा कुछ है उसका मतलब, ग्रीन मतलब हाइपर लाइन। अच्छा चल भाई आ जा, अब यहाँ पे गाड़ियाँ आने वाली हैं ब्रिज पर से शायद। प्रॉब्लम बस एक ही, तेरे खुद के पास गाड़ी नहीं है तू, तो पीछे तेरे को भागना होगा फुल स्पीड से। प्ले जोन के बाहर आउटसाइड हो गए बेचारे। एक बगी दिखी मुझे, एक बगी दिखी, सही में एक बगी दिखी मुझे। रुक 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 रुक, अबे गन तो ले ले। बंदा मरा ना भाई। हाँ एक कुछ आवाज़ आई, नहीं नहीं वो आवाज़ कुछ आई लेकिन वो पता नहीं क्या आवाज़ आई, कोई बहुत ज़ोर से गुस्सा आया ऐसा लगा मुझे। अबे ये कैसे बदलते हैं, अबे ये कैसे बदलते हैं? एक और आ रही है, एक और आ रही है। अबे गन बदल, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मरूँगा पक्का मरूँगा भाई मैं जिस तरह से घटिया खेल रहा हूँ। अरे गाड़ी कहाँ गई? अबे तू अकेला है? अरे बाप रे, कवर ले कवर ले कवर ले कवर ले, प्लीज कवर ले लें दो, एक बार कवर ले लें दो फिर बताता हूँ मैं इनको। एक बार कवर ले लें दो, एक बार कवर ले लें दो, हील कर ले हील कर ले हील कर। भाई गन भी रिलोड करनी थी गलती की। अबे कहाँ गए, चले गए क्या? अबे सही में चले गए नमूने, बिना मारे चले गए मेरे को, क्या यार। अकेला बंदा था उसको भी नहीं मार पाए, हो सकता है पीछे एक आध रुकाओ, कोई है कोई है। अबे आंख फेंकी, अरे यार ये लोग पूरा दम लगा रहे हैं लेकिन। अरे यार तीन तीन को मैं से किसको मारूं? हाँ मजा आ जाती यार, अपनी स्क्वाड होती एक बंदा और होता मजा आ जाती, और माइक के साथ होता तो और मजा आ जाती। पबजी का यही मजा आएगी, जब मैचेस होते हैं तो जबरदस्त होते हैं, जब नहीं होते तो फिर नहीं होते। गोल्ड पे पहुंच गया क्या? अच्छा है अच्छा अच्छा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और राइड। हाँ चलो भाई मिशन पूरा हुआ, इस यही तो करना था, अब उससे कोई संबंध नहीं कॉन्वेयर से।
आरपी का कुछ लेकिन आइटम मिली नहीं यार, मैं कहाँ पे अटका हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे अटक गया हूँ मोस्टली, मुझे लगता है मैं 22-23 तक जा पाऊँगा बस, वो भी बहुत मुश्किल से। ये कपड़ा भी शायद मिस हो जाएगा मेरा, तो ये तो बहुत दूर की बात है। क्या गया, ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये सब मिल जाए तो चमत्कार है। एक पॉइंट चाहिए बोलो। चलो भाई मैं 3000 ओपन करने जा रहा हूँ। शॉप में जाओ, और ये 3000 हो गया है मुझे। एक मिनट, इसको रिडीम में आता है, कहाँ आता है ऑप्शन, ट्रीजर में आता है। अरे क्रेट्स कहाँ गए, ये रही। अब क्रैश हो जाएगी गेम पागल जैसी, पता नहीं क्यों रखी है, मुझे ये नहीं मालूम, पहले में ही क्रैश हो जाती है तब भी। स्पैम मत कर भाई सोम, क्योंकि जो स्पैम करेगा उसके साथ खेलना ना ही खेलना बेहतर है भाई, जो स्पैम कर रहे हो। थोड़ी देर रुक जाओ यार, सब रख लो, क्योंकि वोट दे के ये गेम खेली है मैंने, जबरदस्ती तो खेली नहीं। मेरे को ओपन करना है वो 3000 कॉइंस है ना, वो 3000 कॉइंस यूज करना है, पहली बार ओपन करूंगा। अब देखो ऐसे तो मोस्टली बकवास ही है वो, उसमें कभी किस्मत रही नहीं कि मुझे मिले कुछ, अब यहाँ मिल जाए तो चमत्कार ही है भाई। एनिमेशन ना आना, हाँ ठीक है। अरे मत आ एनिमेशन भाई, डर लगता है। कहाँ गया भाई वो ऑप्शन, कहाँ गया, यूसी नहीं यार, ये सप्लाई क्रेट ये वाला। अब इसके अंदर हैं तो कपड़े ऑसम, मेरे पास 2700 से ज़्यादा ही हो गया, मुझे लगा 3000 होगा, चलो कोई नहीं 2700 है। 10 बार ओपन कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ सही दे देना भाई, ये बहुत मेहनत से कमाई गई रकम है। 2700 खर्च करते हुए हम लोग बैक टू बैक 10 क्रेट्स ओपन हो रहे हैं। मैं एनिमेशन स्किप नहीं करूँगा, एक एक को देखूँगा। अरे यार ये तो लिमिटेड आइटम है। अरे यार लिमिटेड आइटम है। ओ ये मिला कुछ बकवास सट कैप मिला, हर बार बकवास कैप ही मिलती है, सब बकवास। यूसी विल बी यूज व्हेन देयर विल, अरे भाई ये नहीं करना मेरे को, बकवास कैप मिली यार मेरे को, एक नंबर की बकवास, मतलब सुपर बकवास। एक और ओपन कर रहा हूँ, अरे यार ये तो ऑलरेडी है, एक और ओपन करूँ। एक मिनट, इसमें कुछ लक वक होता है क्या, 23-9 तक चलेगा। फिल द प्रोग्रेस टू गेट एन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, हाँ तब तक तो हो ही जाएगा। हाँ ओपन कर ले 300 का सॉरी। अब सब टोपी दे दे तू, टोपी लगा दे मेरे को, टोपी पहना दे, सब बेकार यार। हट, ये ऑप्शन था इतना अच्छा, नहीं मिला राजा का कपड़ा, ये है सिपाही का कपड़ा नहीं मिला, ये हेलमेट मिला है 3 दिन, पता नहीं 1 दिन 2 दिन वाला बकवास, ये सब था, मिला मुझे ये कैप जो पहनने भी नहीं वाला मैं मोस्टली, यहाँ तक कि लिमिटेड आइटम में भी आइटम नहीं मिली, लिमिटेड आइटम्स में भी नहीं मिला कुछ। ये देखो ये मिला है मेरे को, ये किस काम का भाई, उससे अच्छा तो ये है, सूट तो कर रहा है। हेलमेट मिला है ये वाला बेकार सा, पहनना ही नहीं है मेरे को। और गन वन की स्किन मिली है, सब बेकार भाई। मैं अभी ये कर रहा हूँ भाई कि मैं फ्री फायर ओपन कर रहा हूँ, एक मैच हम लोग 1v1 करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे मुझे भी नहीं मालूम, अभी ओपन होगा तो पता लगेगा। इसमें कुछ पूरा हुआ है, इसका लास्ट दिन है क्या आज, 8 तारीख ऐसे कुछ था, इसका लास्ट डेट कब है, 11/8 है, तब तो ठीक है, अभी तो बहुत दूर हूँ मैं। ये है क्लासिक क्रेट ओपन होगा, ये तो अनलॉक नहीं होने वाला, ये सोल्जर का कपड़ा, ये तो बहुत मुश्किल। अब देखो ये कितना गंदा लग रहा है कपड़ा, कुछ है ही नहीं एनिमेशन, कुछ फील ही नहीं आ रहा आगे से देखो, और यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि ये लोहे का निकला हुआ है, कुछ फील ही नहीं है। ये अलग ही नशे हैं इस गेम के, ये जो चीजें दे रहा है सब फ्रॉड है भाई मोस्टली। ठीक है डन 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 डन, ये देखो ये 200 यूसी का दिखा रहा है मैं, ये कौन लेगा यूएमपी की स्किन यार 200 यूसी में, ठगने की भी हद होती है। चलो कोई नहीं, ये इनकी ठगने नहीं, ठगने की जो भी है आदत,
मैं इसको ब्लॉग बंद कर रहा हूँ अभी के लिए, और हम जा रहे हैं यहाँ पे विंडोज़ में हमारे फ्री फायर की तरफ। अब इसमें भाई जिन लोगों को साथ में खेलना है, एक चीज़ करनी होगी, मुझे मालूम है थोड़ा सा मुश्किल होगा ये करना, आपको हमारा वो ज्वाइन करना होगा, क्या कहते हैं, मेरा क्लैन ज्वाइन करना होगा, गिल्ड। आपको ज्वाइन करना होगा, फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे ऐड करना है। हम लोग वन वर्सेस वन खेलने वाले हैं, जो नया गेम मोड आया है वो, उसमें अगर टीम कोड आता है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर टीम कोड आता है तब कोई इशू नहीं है, और मुझे नहीं लगता टीम कोड आता होगा इसमें। लोन वुल्फ, तो कंपलसरी आपको गिल्ड में होना पड़ेगा मेरे। इसमें गिल्ड ऑप्शन भी नहीं है क्या? नो गिल्ड मेंबर ऑनलाइन। तो भाई गिल्ड ज्वाइन कर लो, ये है गिल्ड मेरी, हम लोग साथ में खेलेंगे वन वर्सेस वन, एक बाय वन बाय वन। ये मैंने खेला नहीं एक बार भी, आयरन केज होता क्या, वन वर्सेस वन ही है ना, पता नहीं है क्या, ये ऐसा ही कुछ है, वन वर्सेस वन ही ऐसा है, दिखा तो ऐसा ही रहा है कुछ। चलो भाई एस 59 अनसपोर्टेड टीम फॉर्मेशन। अबे इसमें स्क्वाड भी, स्क्वाड तो होता नहीं है इसमें, अरे भाई इसमें नहीं होता क्या, ये तो अलग कुछ लग रहा है भाई। लॉन वुल्फ में मैं आपके सामने नहीं खेल सकता क्या? मैं एस 15 को भेज रहा हूं तो वो कह रहा है कि आप नहीं खेल सकते, मुझे ये 10 बार खेलना है। ज्वाइन वुल्फ, ज्वाइन लोन वुल्फ मैट मोड टू कंप्लीट द मिशंस, ऐसा कह रहा है ये, अब तो खेल ही नहीं पाएंगे भाई यहाँ पे। बैटल रॉयल में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक बार ये मैच स्टार्ट कर दूँ, बैटल रॉयल देखते हैं, बैटल रॉयल में कमेंट कर दे रहा हूँ भाई। चलो बैटल रॉयल स्टार्ट हो जाए। अरे यार ये नहीं पता था मुझे कि ये नाटक है लोन वुल्फ वाला, मैं तो आप लोगों के सामने खेलने वाला था। अब ये कौन सी स्क्वाड लग रही है मैच, ये तो पूरा अलग ही गेम आ रहा है। कोई कोई आर्मर आर्मर हेलमेट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नहीं ऑटोमेटिक आया हुआ है, गन आपको चुननी है, ठीक है। अच्छा मूड है यार, अब पता नहीं कितना टफ, टफ तो मुझे मालूम नहीं, अभी खेलेंगे तो पता लगेगा। अबे ये क्या था, ये क्या था, लड़की बेचारी कितनी अत्थे थी, मार दी गई। ये बेस्ट था भाई। लेवल थ्री लेवल थ्री लेवल थ्री, वो दिख रही है कि नहीं, हो सकता है प्रो प्लेयर हो, जानबूझ के ऑफलाइन दिखा रहा हो फिर बाद में आए। हेडशॉट भाई, प्रो बन गया आपका बंदा आयरन केज में। एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि बंदे क्या कर रहे हैं, जानबूझ के लेफ्ट कर दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में खेल रहे हैं फिर, मतलब ज्वाइन हो रहे हैं फिर लेफ्ट कर दे रहे हैं, शायद ऐसा कर रहे हैं ताकि मिशन पूरा हो जाए। मेरे को ऐसा ही लग रहा है बंदे यही कर रहे हैं सब। ये 18 भाई, तो डैमेज बढ़ता है धीरे धीरे, विनर बन गए हम। राउंड 4 आता हुआ, कितने राउंड है भाई इसमें, शिवराज पूरा हौसला बढ़ा रहे भाई, आपके हौसले की बदौलत ही, देखो कितने हेडशॉट मार रहा हूँ मैं, दूसरा हेडशॉट है, फिर से हेडशॉट मारूंगा, रुको। ये आई एम अ प्रो। चार बंदों को ठिकाने लगा दिया, 4-0 की जीत हासिल होती हुई। ऐसे मैचेस आए तो फिर तो बन गया प्रो मैं, मतलब ऑन द पेपर, पेपर का ए गायब हो गया। अरे ओ आ गया आ गया आ गया, डेंजर गर्ल आ गई भाई, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। हाय 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 हाय, गेम ऑन ब्रो। अब उसने यूज किया था, मैं यूज करूंगा, रुक। अरे मेरी स्किल क्यों नहीं यूज हो रही, अरे भाई लेकिन स्किल क्यों नहीं यूज हुई, अच्छा मैं यूज कर चुका हूँ, क्या बेइज्जती है भाई ये। इज्जत जाने वाली है भाई अब, पूरी तरह से, बुरी तरह से और पूरी तरह से। वो देखो स्किल यूज कर रहा है, पागल बंदा, पागल लड़की। कितने पे जीतता है मुझे ये नहीं पता,
अरे यार कितने पे जीतता है ये नहीं मुझे मालूम। 3-4 तो कर दे, हर बार ताली बजा रही। एक एक पॉइंट और चाहिए क्या मुझे? पता नहीं कितने पॉइंट चाहिए यहाँ पे, जज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से इज्जत निकल गई। 4-0 था, ऑफलाइन थी हर बार। बंदा अलग आ रहा है। अरे यार ये कौन सी गन है तेरी? डिफीट हो गया, गन बदल भाई, कि अब नहीं बदल सकते। एक मिनट, गन बदल, हाँ बदल सकते हो आप गन। कहाँ गई बॉली? अपनी MP5 निकालो। और कोनू रास्ता नहीं बचा भाई, यही एक सहारा है। ऊंचाई पर रहने का फायदा है यार, ये लोकेशन सब दिखती है। दिख गई। आगे से जाओ। ये अपने भी ताली बजाएंगे। बुया, शिवराज कह रहे हैं मैच पॉइंट था भाई। अरे भाई मैं पागलों जैसा खेल रहा था, सामने से जाके बार बार टकरा जा रहा था, फाइनली सही खेला। अब एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के साथ खेलना, लेकिन ये हो नहीं पा रहा यार, पता नहीं कैसे होगा। ये मजा तो तब आता जब मैं आप लोगों के साथ खेला। और रे लॉटरी लगी भाई, पर पैसे नहीं है यार। अबे ये क्या है, ये क्या आया स्क्रीन पे? पैसा नहीं है भाई, ये क्या दिखा रहा है? लेकिन पर ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो कल। स्टार्ट द गेम। FF का ठीक है, FF रिडीम मैंने लिख दिया है, मुझे याद रहेगा। अब गन कौन सी ली जाए ये एक सवाल है। शॉटगन नहीं, किंगफिशर है ऑसम। AK ट्राई करते हैं इस बार, AK ट्राई करते हैं। F1 दबा दे भाई, कंट्रोल को हटा दे, मैप अलग है थोड़ा। तो मेरी आदत भी स्कोप ऑन करने की। अबे सब इतना अजीब क्यों खेल रहे हैं यार, सब अजीब खेल रहे हैं यहाँ पर। देखो ये बंदा भी आया, ये भी कैसे खेल रहा है, गोल गोल घूम रहा है यहाँ पर। भानुशी राणा कह रहे 3-1 से जीतने के चांसेस हैं इंडिया के। बिल्कुल भाई, DJ ने जीत लिया, चलो भाई बढ़िया। बेचारा शॉटगन से खेल रहा है भाई, इसकी तो ए पिस्टल हाथ में आ गई मेरे, कैसे अपने आप। मतलब एक चीज़ क्लियर है, ये बंदे को मेरे को मारने के लिए नज़दीक आना है। मैं मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा दूर रखूं। मैं अगर आगे गया तो मैं फंस जाऊंगा मोस्टली। दोनों ने चक्कर मार लिया लग रहा है, ऊपर से जा रहा है वो। चलो भाई तुक्के में ही सही, लेकिन मार दिया तूने किसी तरह। 3-0 की लीड। जो हमारा क्लैन है ना भाई, वो लेवल 3 पे पहुंचने वाला है यार। हट, लेवल 4 पे पहुंचने वाला होता तो मजा आ जाती, फिर हम लोग हर हफ्ते खेलते। मैं कितने ब्लू बॉल यूज करेगा पागल आदमी। मैं भी क्या कर रहा हूं ये, और ये भी क्या कर रहा है, क्या भाई ये तो बच रहा है, ऐसा लग रहा है छुपन छुपाई चल रही है। वो मेरे से भाग रहा है, मैं उसको पकड़ रहा हूं। इसमें साथ में खेलने का ऑप्शन ही नहीं है भाई, मैं क्या करूं, मैं चाह कर भी नहीं खेल पा रहा। अरे 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 बंदे ने दिमाग लगाया, बेचारे की गन ही बेकार है, बेचारे की गन ही बेकार है। उसको कुछ और खेलनी चाहिए, वो पता नहीं क्यों इस गन से खेल रहा है।
इस बार भी जीत गए भाई। हाँ हैट्रिक लगेगी कि नहीं पता नहीं, अगली बार पता लगेगा। बंदा चैलेंजिंग हो तो मजा आए, पता है हकीकत तो ये है। हो सकता है मेरी इच्छा पूरी होने वाली हो, बंदा चैलेंजिंग मिलने वाला हो, कुछ कह नहीं सकते। इस बार अलग कोई गन, इस बार हम लोग लेंगे यूएमपी, इस बार यूएमपी ट्राई करेंगे। ठीक है एक्यूरेसी अच्छी है भाई, ये तो सामने ही बंदा है। अरे अबे ये कैसे मार दिया मैंने, वो सामने ही खड़ा है। अरे ये किसने मैप बनाया, किस पागल ने मैप बनाया ये वाला, एक नंबर का बकवास मैप भाई ये देखो। अबे यहां आ गया ये तो, अबे अंदर छिप गया। वैसे तो मेरी भी हेल्थ कम है, मेरे को ही फायदा हुआ, वो ऊपर से ना मार दे आके। पता नहीं मैं अच्छा खेल रहा हूँ कि ये लोग खराब खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। डीजे जॉन जेस्टा बैटल रॉयल, हाँ भाई करते हैं बाद में, पांच लोगों में क्या करें भाई, दस लोगों में। भक्ति कम ठिकर यहाँ पे ज्वाइन होते, समदीप यहाँ पे ज्वाइन हो गए, मैं ऊपर से जा रहा हूँ, ये आ रहा था ना। ये सोचता है कि ये भाग भाग करेगा तो अपुन भी भाग भाग नहीं करेगा, अपुन भी भाग भाग करेगा। दिख गया ऊपर है, बदल लिया क्या, सीधा सामना ही होने वाला है भयानक वाला। कौन सी गन से खेल रहा था, इस बार अलग गंदी बंदे की। हार्दिक ज्वाइन हो गए हैं, संकेत यहाँ पर हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पे स्कोप लगाओ ब्रो, भाई शॉर्ट डिस्टेंस पे स्कोप तो लगा रहा हूँ मैं तो भाई, यहाँ पर चेहरे पे आ जाए बंदा तो भी मैं स्कोप लगाता हूँ। तो मेरे को आप ऐसा बोलोगे तो फिर तो बहुत गजब बेइज्जती हो जाएगी। मार ही दिया भाई, ये शॉटगन से ही खेल रहा है, सबको शॉटगन से क्यों खेलना है, किल हिक भी कर नहीं पा रहे। और मैं फिर से जानना चाहूंगा भाई कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ कि ये लोग खराब खेल रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने खेलता तो और क्लियर हो जाता डाउट। मार ही नहीं पा रहा भाई, भले किस्मत के थ्रू ही सही। संकेत कहना कि स्कोप मत लगाने को कह रहे हैं, हाँ वही मुझे लगा यार कि मैं तो गलती कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम है स्कोप, पर मेरी आदत हो गई वो लगाने की स्कोप, इसीलिए मेरे से गलती हो जाती है वो। इस बार नहीं गन, इस बार अपने वो यूज करेंगे शॉर्ट गन। चलो भाई ये इच्छा जो हमारी थी पूरी होने वाली है, शॉर्ट गन ट्राई कर रहे हैं। वो खराब खेल रहे हैं हार्दिक कह रहे हैं, हाँ तो ठीक है। लेफ्ट से आ रहा है, मजा आ जाए शॉटगन यूज कर रहा है। अरे पता नहीं कौन सी गन यूज कर रहा है, अरे यार वेक्टर यूज कर रहा है वो, अब क्या करूं मैं, मैं भी वेक्टर यूज करूं क्या। इस बार अभी देखो यार 2-0 होने वाला है स्कोर। हट अरे यार
डबल टैप, रुको भाई इसका डबल टैप कैसा है मुझे इसका दिखाओ। डबल टैप दो बार मारता है, क्या मारता है? चला गोली, फिर से अच्छा दो बार मार देता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इस बार। फिर से लेफ्ट से आ रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है वेट ही कर रहा है वो मेरा ही। चलो भाई MP40 तो भाई MP40 तो मुझे भी मालूम है कि मस्त है, लेकिन मस्त से खेलेंगे तो हर बार मस्त नहीं खेलेंगे ना। चैलेंज चाहिए तो मस्त से थोड़ा सा अलग लेना होगा। अब ये मैं शॉटगन कभी नहीं, मैं शॉटगन लेता ही नहीं हूँ जनरली। अबे तेरी, क्या डैमेज दिया है, अटैक नहीं कर रहा बंदा। अरे यार मैंने कंट्रोल भी दबाया, झुकाया, सुलाया, कुछ हुआ ही नहीं। तीन एक ले लिया भाई, मैं अब अलग ले रहा हूँ कोई गन, अलग कोई ले रहा हूँ इस बार। उसने भी सोचा नहीं होगा कि मैं MP5 ले रहा हूँ। ठीक है इस बार देखते हैं, जगह बदल गई लगता है एक दूसरे की, रिप्लेस मार दीजिएगा। स्किल भी यूज़ नहीं किए मैंने। अरे यार ऊपर से जा, कहाँ चला गया? अरे यार वेक्टर का लगता है फायर रेट ऑसम है, तभी इसने मेरे को इतना मार दिया भाई, नहीं तो नहीं हो पाता यहाँ पे। शॉटगन से रिस्क लेते हैं भाई, कोई नहीं शॉटगन रिस्क लेते हैं, वेक्टर से तो नहीं खेलना ये पक्का। वो मारेगा पहले तो बम मारेगा, हाँ ये फिक्स ही है इसका, इसका खेलने का अंदाज ही ऐसा है। यहाँ कवर ले लेता है हर बार। क्या भाई क्या था ये इरिटेटिंग हुआ। मैं फिर से शॉटगन ले रहा हूँ, फिर से शॉटगन ले रहा हूँ। शॉटगन में जीतना है एक मैच, ये है चैलेंज। मतलब इस सात बार तीन चार बार और खेलेंगे उसमें ये जीतना है, शॉटगन से जीतना है एक मैच। भले नूब आए वो नहीं देखेंगे हम लोग, शॉटगन लेंगे। DJ जॉन कह रहे हैं अब आएगा मज़ा। भाई अब असली चैलेंज है, मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। M187 लगा रहा हूँ मैं। एक मैच खेल सकते हो आप, जैसा अभी किया था, एक गन एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, लेकिन अभी के लिए शॉटगन सही, मेन अटैक शॉटगन रहेगा। मैप भी अच्छा अच्छा खासा है। अबे ये तो ऑफलाइन लग रहा है बंदा, और ये शॉटगन डैमेज क्यों नहीं दे रही यार, ये इतना कम डैमेज क्यों दे रही है? जनरली तो बहुत सारा डैमेज देती है। चिड़िया मंडरा रही है उसके आसपास। जनरली आप देखोगे ना तो बहुत सारा डैमेज देती है, 8-8 का डैमेज दे रही है, लेकिन हाँ 8×5=40 टोटल, हाँ भले 8 दे रही है लेकिन एक्चुअली 8 नहीं है वो। अरे हट गई, हील किया सही किया कि गलत किया पता नहीं। अभी तो हमारी हालत खराब है। अरे भाई बढ़िया है। बंदा मूव कर रहा है। अंकिता TM हेडशॉट की तैयारी चल रही है अभी। ये सब यूज करते नहीं आता मेरे को। अबे ये क्या यूज कर दिया पागल। लाइव स्ट्रीमर खेल अंकिता YTM। खत्म भाई, गेम ओवर, 2-1। वो अगर शॉटगन खेलेगी तो मुझे लगता है, मेरे को नहीं लगता मैं वो जीत पाएगी ये पक्का। एटलीस्ट उससे तो बेहतर ही खेल रहा हूँ। पीछे से आ जाते तब गड़बड़ हो जाता है।
दिखा दिखी दिखे दिखे अब आमने सामने आने वाले हैं। ये अपुन जीता भाई 3-1। ये हुई ना बात, बंदी हो या बंदा हो भाई, अभी मेरे लिए तो वो मतलब अपोनेंट है, तो अभी तो पड़ेगी भाई। लखनऊ गर्ल जैसा मत करवाना मेरे साथ कि मार गई गोली और आप कुछ नहीं किए, वो नहीं करना मेरे को। वो तो खुद ही आएगी, देखना पोजीशन बनेगा यहीं खुद ब खुद ही। ये वो कुछ यूज करने जा रहे थे, पहले ही उड़ा डाला इसको, उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा डाला भाई। पहली जीत मिलने वाली है शॉटगन से, अभी भी ठीक है, बढ़िया है अभी तो सिनारियो। बार राइट से ही जाते हैं सर, राइट से ही मुलाकात हो जाए। अबे क्यों यूज किया इसने, ये हेडशॉट, बुया हो गया। MP40 लो, ज्यादा बुलेट होते हैं राउंड में ब्रो। अरे यार मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को अलग अलग गन से खेलना है भाई। MP40 से तो मेरे को आपने 100 बार खेलते हुए देखा। अब स्नाइपर नहीं, स्नाइपर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्लोज रेंज में स्नाइपर नहीं चलती। स्नाइपर तो नहीं लेंगे, कोई अलग गन लेंगे हम लोग। मिशंस की बात अगर करते हो आप तो डेली मिशंस में RP मिशंस काउंट नहीं होते लगता है। 5 मैचेस हो गए हैं, डायमंड अभी नहीं ओपन करूँगा मैं, डायमंड बाद में ओपन करेंगे हम लोग। पर गन कोई अलग लेंगे ये पक्का, गन कोई और ट्राई करेंगे। अगर मेरे क्लैन की बात करते हो गिल्ड की, तो अभी हमारा गिल्ड है लेवल 3 पे पहुंच रहा है, तो मैं वो क्या कहते हैं डायमंड वाला मैं बाय कर पाऊंगा शायद। AKM खेल लिया, फमस नहीं खेलना, फमस बेकार है अभी। UMP से भी खेल लिया, UZ से खेलें क्या, देखते हैं भाई क्या रिस्पांस आता है। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसकी बुलेट बहुत कम है, प्रॉब्लम ये है। इसका पेस बढ़िया है लेकिन इसकी रेंज भी नहीं है, और डैमेज तो ऑब्वियसली बात है कम ही होगा। फिर राइट से भागा जो भी है, सबसे मज़ा तो आता है कैरेक्टर की डिज़ाइन देखने में, इनका कैरेक्टर है कैसा। अच्छा स्कोप है नहीं इसमें, सही है। अबे कहाँ गई, फीमेल कैरेक्टर है अब, बाकी मुझे भी नहीं मालूम। अरे MP40 वर्सेस UMP है, कोई नहीं चलो एक दो राउंड लगाते हैं फिर देखते हैं। तीन राउंड का रिस्क, अच्छा है। बस ये मुझे नज़दीक रहना होगा और ये निशाना सिर पे मारना होगा तो बात बनेगी। अरे यार ये फिर लेफ्ट से भागी जो भी कह दो आप। शॉटगन ले रही हूँ, एक हिट भी नहीं कर पाई प्रॉपर, कर पाई। वार ब्रिंगर्स, मेरी टीम हॉलर्स है, हॉलर्स हॉले हॉले, हम हॉले हॉले आगे बढ़ते हैं। उसने गन नहीं करी तो ये तो पक्का कि मैं मार जाऊंगा उसको, अगर गन चेंज नहीं की तो उसने, ये गारंटी मेरी। अरे ऊपर ही है, अरे मैंने हिट करना छोड़ दिया था 1 सेकंड के लिए, मुझे लगा गई वो, मेरे को ये नहीं मानता शॉटगन है उसके पास, मुझे लगा AR से मार रही है तो नहीं मार पाएगी। हट इजी मत ले, 2-1 हो गया अभी, ऊपर से वो अटैक करेंगे, वो क्लियर हो गया उसको। ओ मिनी UZ, अच्छा UZ वर्सेस UZ, चलो भाई ये लास्ट रिस्क है, इसके बाद मैं गन बदलूंगा। UZ भी है तो अच्छी, लेकिन हर बार नहीं चलती बेचारी, अब तो सामने से आएगी पक्का। हम भी कम नहीं है भैया, हम भी अपना मेन हथियार बचा के रखते हैं ताकि वापसी कर सकें।
अब गन बदलेगी, अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम लाएंगे यूएमपी को, यूएमपी नहीं MP5 को। अब एक बात है कि पक्का की, अरे जगह बदल दिया। ओ हिलते डुलते मारो भाई, हिलते डुलते मारो, यूएमपी लगाओ अब, मतलब नहीं है, यूएमपी लगाओ, यूएमपी लगाओ, यूएमपी लगा, यूएमपी बेस्ट है। थोड़ा नज़दीक जाके मार तू, मैं क्लोज नहीं मार पाता, मैं दूर से नहीं मार पाता ज़्यादा। हार गए भाई, हार गए, अपने लोग को हार ही गया भाई बुरी तरह से, 5-2। अब अगली गन आएगी कोई नई वाली, हार जीत इतना मायने अभी नहीं रख रहा। चलो भाई कोई मिशन पूरा हुआ, कल एक कपड़ा अनलॉक हुआ भाई ये वाला रॉयल पास में, क्या नाम है वो आग वाला लड़की वाला, देखो क्या होता है। गन इस बार कौन सी लें, MD4 का, फमस तो बेकार है भाई, फमस में मज़ा नहीं आता, डबल टैप करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, अभी मूड नहीं है डबल टैप का, अभी हमने लिए XM8। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा भाई, ऊपर से जा रहा है कि लेफ्ट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, ठीक है चलो चलो चलो। अरे कितना कि कैसी गन है भाई, मैं अभी कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा लेकिन बहुत अजीब चली इस बार मेरे से, कितना फायर करना पड़ा, नहीं तो क्लीन हिट था तो भाई ख़त्म कर देना था मेरे को तुरंत ही, सामने से या ऊपर ही। शॉट गन लिया उसने, अच्छा वो वेट कर रहा है मेरा, अरे काहे वेट कर रहा था उधर पागल जैसा, बोलो बैटल रॉयल भाई, रुको रुको मैं एक बार टाइप करूं, अगर मैं कर पाया तो अच्छी बात है, एक बैटल रॉयल चालू हो गया, चलिए मैंने टाइप कर दिया फटाफट जितना तेज हो सकता था। स्कोप ज़्यादा करते हो, हाँ यार देखो इस बार बिना स्कोप के खेलता हूँ मैं, चलो देखते हैं। अब F1 दबा, ये क्या कर रहा है बिना स्कोप के, चैलेंज भाई बिना स्कोप के मारने का, वो खुद ब खुद ही दिखेगा बंदा, अभी देखना गायब हो गया, गायब, दिखा दिखा, 24 का डैमेज किसी काम का नहीं ज्यादा। हील कर लो, ओ भाई एक्चुअली उसको हील की ज़रूरत थी, बिना स्कोप के खेल रहे हैं ये चैलेंज है, चलो जहाँ तक हो सके आपको स्कोप नहीं ही करना है मोस्टली, ताकि मेरी आदत छूटे भी स्कोप वाली, मेरी आदत हो गई है बंदा दूर हो या नज़दीक हो मैं स्कोप धड़ाधड़ कर देता हूँ यूज़, जो कि गलत है मुझे भी मालूम है। ये तो गया भाई, मेरे से भी ख़राब खेलता ही है, इतने में तो मतलब दो बार मार देता मैं भी मार देता किसी को, पर मौका था मस्त इसके पास, 4-0 हो गया बिना स्कोप के। गुलाम मोइनो थम्सअप मार दिया, बहुत अच्छे भाई, तभी सुधरेगा भाई, हाँ तो ही सुधरेगा। तो मेरा पहला काम पता है क्या होता है, पहला काम मेरा होता है कि मेरे को वो बटन दबानी है, थॉम्सन जिंदाबाद, डैमेज यार आधा भी नहीं दिया मैंने, देखते हैं भाई क्या होता है, सिनेरियो क्या बनता है अभी तो। ठीक है मैं ऊपर से जा रहा हूँ, राइट से आ रहा है वो, दिख गया नहीं राइट से नहीं, यहीं से आ रहा है वो, फिर से वही बनेगा हाल, नहीं यार एक तो फोकस नहीं बैठता, रेड डॉट पे निगाहें नहीं जाती, थोड़ा डार्क होता सर्कल तो अच्छा था। मैं 3 का रिस्क लूँगा फिर हम लोग भाई स्कोप यूज़ करेंगे, एक और रिस्क ले रहे हैं क्योंकि ये मैच हमारी थी, फिर से वैसे ही आ रहा है। देखा 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 कितना गंदा,
अब स्कोप होगा, देखते हैं स्कोप में देख लेते हैं। अभी पता लग गया वो मेरा पावर भी अनलॉक नहीं हुआ है। कोई नहीं, गायब बंदा। अब वापस आ रहा है इधर ही राइट साइड से। भाई बिना स्कोप के ही मारा है। नॉट बैड नॉट बैड। दो मैच और भाई, दो मैच और, मतलब 10 वाला कोटा पूरा हो जाए। एक बार इनक्यूबेटर को आप लोगों के सामने मैं रन कर लूं, अपनी बदकिस्मती पे फिर मैं हंस लूं। बीजीएमआई में तो ऑलरेडी मैंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं मिला। पबजी में भी ट्राई कर लेते हैं। MP5 नहीं, अभी बिना स्कोप वाला खेलना है ना। बिना स्कोप में मैं ले रहा हूँ इस बार UMP ले रहा। UMP के साथ तो बहुत खेला। वेक्टर भाई, वेक्टर, डबल वेक्टर। ये स्कोप देखेंगे भाई हम लोग। अरे पहले डबल तो ले ले। डबल ले कैसे लेते हैं? हाँ बढ़िया है भाई, पता नहीं। अरे यार चल भाई, हेल्प कर दी। मैं तो गया ही था मोस्टली, तो बचा लिया हेल्थ ने, स्किल ने बचा लिया। स्कोप के ही सीखोगे हार्दिक कह रहे भाई, कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो बंदा पीछे से आके मार देगा तो फिर कैसे चलेगा? चीटिंग थी वो तो साफ साफ। सामने से आओ तो चैलेंज होगा। अच्छा इसमें स्कोप है ही नहीं, तब क्या भाई, तब तो क्लियर है फंडा। दोनों बंदे होल्ड कर रहे हैं, कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा। अबे घुस जा अंदर कंटेनर में। क्या कूद रहा हूँ पागल जैसा राइट लेफ्ट में। शॉटगन है ना इसके पास, शॉटगन है और वो लिया MP दूसरी वाली MP। कोई नहीं कोई नहीं, इस बार अपन लेफ्ट से जाएगा, सामने ही एकदम मुंह पे ही। पहली बार भी मैंने तुक्के में ही उसको मारा था, ईमानदारी से कहूँगा मैं। वो मेरा प्रॉपर किल नहीं था, वो गायब। अबे कैमरा रोटेट में गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? हाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है कैमरा रोटेशन। ठीक है अभी ठीक है, पर वो भी सोचेगा कहाँ चला गया पागल। सामने से भाई राइट लेफ्ट कौन होगा? गन पता नहीं है, गन की गलती है कि मेरे कैमरे एंगल की कंफ्यूजन है यहाँ पर। हाँ भाई स्पैमर्स के कमेंट ब्लॉक हो जाते हैं, अकाउंट भी उनका ब्लॉक हो जाता है। अरे यार ये कैमरे में कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी तो ठीक है थोड़ा, पर डाउट हुआ था मुझे। बहुत तेजी से आया भाई, डबल वेक्टर तो करो। अरे भाई रह गई, हर बार करनी पड़ती है क्या? अच्छा हर बार करनी पड़ती है भाई, ये तो नाटक है। मैं तो सिंगल से ही खेल रहा था। इस बार मैं ढूंढूंगा उसको, रुक। ले और ढूंढ उसको, मैं ही ढूंढवा गया। अरे भाई मैं तुमको नहीं कह रहा, नॉर्मल सिनेरियो में कह रहा हूँ। कमेंट तो दिख रहे हैं भाई, नील नील के दिख रहे हैं, ऋषि के दिख रहे हैं, शिवराज के दिख रहे हैं, सबके दिख रहे हैं। पहले से वेट कर रहा है क्या नीचे? अब मैं गन बदल रहा हूँ भाई, गन बदल रहा हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है। शिवराज ढोकले यहाँ पर भाई, मैं गन चेंज कर रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ इस बार MP, अपनी MP5, देखते हैं क्या चेंज आता है इसका।
मेरी स्किल भी आ चुकी है भाई, बहुत सही समय पे यूज़ करियो। कूदेगा तो मारूंगा मैं। अरे यार टोपी बाज बंदा है भाई। चल 3-4 3-4 3-4 3-4 भाई मैं नहीं फादा भाई, इसको भी ना नहीं फादा, बहुत अजीब सा फील होता है। यही बेहतर है, मतलब कभी कभी यूज करना चाहिए। डबल वेक्टर तो करो भाई। नहीं अभी डबल वेक्टर बिना जा रही है गेम, अभी इसका ट्रिपल वेक्टर निकालेंगे हम इस बंदे का। रुको भाई साहब फुल फॉर्म में आ गए। ये नीचे छिपने की जगह है यहाँ पे, और डाउन ना हो जाए मेरे साथ, अगर राइट से आ गया तो डाउन हो जाएगा बहुत गंदा वाला। राइट से मत आइयो बस, बाकी तो मैं निकाल लूँगा तुझे। हाँ गन आई, गन की आवाज़ आई, ऊपर ही है क्या? पता नहीं कहाँ गया भाई। अच्छा जोन भी बनता है इसमें, ओके। जोन उधर ही आ रहा है, निकलेगा तो पक्का। निकल गया क्या? ओ तुक्के में ही सही, थोड़ा सा जल्दी किल करना था मेरे को, मैं नहीं कर पाया किल। मैच पॉइंट पे ला दिया भाई। एक गन का देखो कितना असर पड़ता है, जो गन से आप हर बार खेलते हो कंपेरिजन टू जिस गन से आप बहुत रेयर खेलते हो। शॉटगन चला रहा है बंदा, जलवा दिखा रहा है अपना। अरे यार MP40 कितनी हेल्थ बची थी उसकी यार, वो तो उसको भी पता लग गया था शॉटगन से बात नहीं बनेगी उसकी, गन तो बदलनी थी। कितना बाकी है मैच? एक और बाकी होगा शायद, या दो बाकी होगा मेरे ख्याल से, शायद मेरे ख्याल से देखना होगा भाई यहाँ पर। एक मिनट, हाँ लास्ट में दो मैच और भाई, लास्ट के दो मैचेस, क्योंकि समय भी हो रहा है भाई, 11:30 खिंच गया हमने। फिर मैं आपके सामने क्यूबिरेटर का एक स्पिन करूँगा। हे फ्लेम थ्रो हो रहा है, अब ये कैसी गन है इतनी दूर? अरे ये तो भाई मतलब पता नहीं कैसी गन है, मुझे भी नहीं मालूम, अभी चलेगी तो पता लगेगी। मेरे लिए भी पहली बार ही है मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लेम थ्रोअर। अरे जो पहले अटैक करे मतलब वो जीता, मोस्टली वो भी यूज़ कर रहा है, उसका भी लगता है पहली ही बार है बंदे का। दोनों लोग एकदम नए नहीं हैं, और एक बात है इसमें रिलोड विलोड नहीं है कुछ। मैं मरूंगा। अच्छा उसकी रेंज ही नहीं है। सिर पे ही जलाया मैंने, खोपड़िया जला दी, उसके बाद तो अपने आप शरीर गिर गया। दो एक लास्ट मैच और भाई, इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे जो हमारा रिवॉर्ड है, फिर देखते हैं किस्मत में क्या निकलता है। ये कौन सी गन है? अच्छा वही है। उसको चलाते नहीं आ रही कि क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर पा रहा बंदा, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो सेम अंदाज से सेम गलतियां कर रहा है, दोनों बार उसने सेम गलतियां की। ग्रेनेड फेंक रहा है और फिर मर जा रहा है मेरे हाथों से। इस बार ग्रेनेड नहीं फेंका, इस बार कुछ भी नहीं फेंका, इस बार ऑफलाइन हो गया लग रहा है। शिवराज पूरा हौसला बढ़ाते हुए, थैंक यू यार। बस एक मैच और रुक जाओ आप लोग, फिर मैं आपको दिखा दूँ कि ओपन करने पर क्या रिवॉर्ड मिलता है गेम में। एक्टिव होगा इस बार, एक्टिव होगा पक्का। मस्त गन है भाई। एटलीस्ट इस राउंड में अच्छी रह गई, बुया करवा दिया। और लास्ट मैच आज के दिन का आ रहा है, जो कि हम लोग फटाक से शुरू कर दे रहे हैं, समय बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग। मेरे पास ये कितने हो गए? अच्छा ये भी एक ओपन करना है, चलो इसको भी ओपन करते हैं। एक डायमंड करेंगे रन, एक हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वीपन रॉयल, वो भी करेंगे रन। मैं फटाफट कर रहा हूँ इसलिए
MP5 लीव कर दिया उसने। हाँ भाई उसको भी लग गया कि भाई मेरे सामने कोई चांसेस नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हार्डिस्ट नहीं है, हार्डिस्ट नहीं है। अब ये गायब है बंदा, मतलब एक्टिव बंदा है। ये रिलोड हुई गन, ओ MP40। चलो चलो बढ़िया, हाथ वाथ में लगा के आया है, कूद भी बहुत रहा है। मज़ा आएगा, कूदने वाले को कूदाने में बहुत मज़ा आता है। चल भाई देख लेते हैं कौन कूदता है ज़्यादा। अभी तो स्किल भी एक यूज़ करूँगा तो मेरा पलड़ा एक बार तो भारी है। ऊपर से आ रहा है क्या, वहीं से छिपके ही आ रहा है वो। आया आया, लेफ्ट से आया। ओए यार M187 हर गेन हर बार बदल रहा है गन, तो मेरी गलती है भाई, मुझे मानना है, मेरे को मैं उसकी गलती नहीं कह सकता। हम अपनी स्ट्रेटेजी से ही खेलेंगे, हम राइट से जा रहे हैं, राइट से ही जाएंगे। तेरी तो इसे ओलंपिक में भेजो। हाँ भाई, लेकिन हम भी दौड़ने पे आ जाते तो हम भी बहुत दौड़ते हैं, वो तो हम दौड़ नहीं रहे क्योंकि हमको मारना है, इसलिए आएगा इधर से ही। हारा है ना, झटका लगा बेचारे को, वो इसके लिए यूज करेगा। अरे यार स्किप, देखा मेरी गलती मालूम पड़ी, देखा मैं क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ यूज़ कर रहा हूँ बिना मतलब। अरे यार स्कोप यूज़ कर रहा हूँ, ये गड़बड़ हो रही है। अब फिर से वो आएगा राइट से, गारंटी। मैं शॉट गन लेके आता हूँ, जल्दी ले जल्दी ले। अबे गन बदल, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई मेरे। आया तो राइट से ही है पक्का। हट तेरी, इतना दौड़ता है भाई, दौड़ने वाला मरता भी बहुत जबरदस्त है। चमेलियन में भी बहुत दौड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा दौड़े हैं चमेलियन में भी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा दौड़े हैं हम लोग। यहाँ पर हमको दौड़ा रहे हैं, पेड़ 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 पेल दिए गए हैं अभी यहाँ पे। अरे इतनी दूर से कैसे यार, मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ यार, अब हिट करता हूँ तो। गलत है गलत है, गलत बात, गन बदलो। नहीं ऐसे तो अच्छा ही खेल रहे हो, पीछे से रह के मारो और क्या। उसके शॉट्स अच्छे हैं, शॉट गन पे बंदा, बंदे का हाथ सेट है लग रहा है। तो मेरी स्कोप करने की आदत इतनी गंदी, अरे कितनी गंदी, गंदी नहीं बहुत गंदी भाई। ले बुया होना था हमारा, हो गया उसका, गेम ओवर बज गया। चलो भाई तो हम अपना रिवॉर्ड ओपन करते हैं, तीन स्पिन कराने वाले हैं हम लोग बैक टू बैक, और पहला स्पिन तो हमारा होगा। अब आप लोग बताइए भाई इसमें से ये क्यूबिनेटर वाला करें कि वीपन वाला करें, और बैटर रॉयल के भी कमेंट कर देना अभी कौन सा करें हम लोग स्पिन। पहला स्पिन कौन करें, दूसरा कौन करें, तीसरा कौन करें। एक स्पिन ये वाला है, एक है वीपन का, और एक है डायमंड वाला, मतलब ये लड़की का कपड़ा वाला। चांसेस तो कम ही हैं पर देखो क्या आता है, है तो 8 टोटल, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा इसको, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। या तो मेरे को दो कहीं से मिल जाए स्टोर विस्टोर में से तो बात अलग है, लेकिन स्टोर लॉक है अभी, स्टोर लॉक है, इसलिए मैं एक ही ओपन करूँगा। ठीक है, इनबॉक्स में आ गया होगा रिवॉर्ड। हाँ मैं वो कर दे रहा हूँ, क्या करें, शाउट आउट भी कर दे रहा हूँ। 20-25 सेकंड का स्लो मोड लगेगा भाई, एकदम हल्का फुल्का। कहाँ गया कस्टमाइजेशन। 25 सेकंड स्लो मोड, साथ में बैटर रॉयल की शुरुआत। चलिए रैंडम करो, कोई भी कर लो, ठीक है। मैं पहले ओपन कर रहा हूँ डायमंड, एक सौ मिला भाई, पता नहीं अच्छा है ख़राब है, जज करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता कैरेक्टर। ये आया है हमारा वीपन का एक, ओह ये तो स्किन है, किसकी स्किन है, AK-47 की स्किन मिली यार। ओ, ये अच्छा मिला, एक मिनट वीपन में जाओ,
वीपन में जा, वीपन में जा, वीपन में। अरे इसमें नहीं भाई, वॉल्ट में, वॉल्ट में आता है, किसमें आता है वो ऑप्शन? भाई लग गई लॉटरी एक, अब वो उसी से खुश हूँ मैं, अब और मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था। यहाँ तो फिर भी AK-47 तो मिला, और परमानेंट स्किन है सबसे अच्छी बात, और ठीक है यार, ख़राब नहीं है, हाथ में लूँगा तो एक इम्प्रेशन पड़ेगी। और लास्ट हमारा है इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर का स्किन, इसमें तो भाई अरे सब इसमें वो कैसे हो गई? अबे ये क्या मिला? अरे बेकार यार, बेकार। अब ये प्रॉब्लम ये कि मेरे को इसको बाय करना पड़ेगा, मैं कैरेक्टर थोड़ी ना बाय करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी इतना अच्छा कैरेक्टर है तो भाई पागल हूँ क्या मैं? चलिए शाउट आउट कर देते हैं फटाफट यहाँ पर इसी के साथ, गेमिंग विद शिवम, प्रदीप घोष, गुलाम मोइनू, भानुषी राणा, अवसी टी आई, शिवम मोंडर, राम करण सिंह, हार्दिक 177, सोमदीप साधु खान, शैडो गाय, ऑल इन वन, शिवराज ढोकले, फिर से भानुषी राणा आते हुए। ठीक है भाई, और कोई नए नाम है नहीं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, इसका मतलब है कि स्लो मोड हटेगा। AK-47 भाई अच्छा मिला यहाँ पे, स्किल भी बढ़ेगी स्किन से, बिल्कुल भाई हौसला बढ़ेगा तो स्किल तो बढ़ेगी, नहीं तो मालूम पड़े भाई एकदम, मान लो मैं नहीं खेल रहा होता, ये एकदम बेकार कपड़ा पहना होता तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता अंदर से, मतलब। प्रतीक्षा परमार यहाँ पर, उसके अलावा हैं अरिजीत मुखोपाध्याय, रामकरण सिंह, शैडो गाय, लव कुमार, थैंक यू यार सभी का। तो भाई ये थी हमारी स्ट्रीम, जिनको पता ना हो मैं बता दूं, यहाँ पे ये वाला इवेंट चल रहा है, अगर यही मेल कैरेक्टर होता तो शायद मैं टॉप अप करा देता, लेकिन ये फीमेल मेल मतलब फीमेल कैरेक्टर का कपड़ा है तो ये बेकार है भाई, ज़्यादा काम का नहीं है। और क्या भाई, देखते हैं कल, कल का जो शेड्यूल है वो यही है, मॉर्निंग में आएगा शतम, क्योंकि टेस्ट मैच हमारा RC20 में Day 4 पे अटक गया था, फिर दोपहर की स्ट्रीम और रात की स्ट्रीम, रात की स्ट्रीम में वही है तीन ऑप्शंस, शॉन्ग ऑफ फारका और दो ऑप्शन कौन थे, उमरी ओमनी, क्या नाम है, ओवारी, क्या नाम था भाई उसका, नई गेम है एकदम ताज़ा ताज़ा, वो भी निकला है पेट में से, मतलब स्टोर के पेट में से, ओमनो और एक और नाम था क्लाउड पंक, ओमनो और क्लाउड पंक, ओमनो और सॉन्ग ऑफ फारका, भाई ये तीन गेम में से कल वोट होगा, तो देखो भाई क्या होता है, हाल बनता है। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, आप रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्लिप वेल, स्लिप टाइट, मिलते हैं कल।